Yes to everyone. Hello. Yes, it's visible. We will start soon. Okay, now just wait for 2 or 3 minutes so other students may join. Hello. Yes, Saqib. Okay, we'll start soon, like in 2 minutes. When will we be starting? In 2 minutes, 2 to 3 minutes, let Okay. all the students join. मेरा साउंड इको तो नहीं हो रहा है ना, लाइक नो ओके ओके थैंक्स। इट्स 5:06 नाउ। लेट्स वेट 2 मोर मिनट्स। राशिद, आई थिंक वी कैन स्टार्ट, दे कैन ओके जॉइन लेटर ऑन। या ओके तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन। लाइक हमारे वेब डेवलपमेंट के दो लेक्चर पहले भी हो चुके हैं, तो आज हम थर्ड लेक्चर मतलब देखेंगे।
और थर्ड लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रो मतलब और ही दे देता हूँ हम क्या क्या करने वाले हैं आज. ठीक है, तो फर्स्टली मैं इंट्रो पहले तो रहेगा कि पहले जो प्रीवियस जो हमने पढ़ा है हल्का सा एक रिकेप रहेगा. फिर उसके बाद एक हम सिंपल वेबसाइट क्रिएट करेंगे जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा मतलब क्या है और वो बनाएंगे. सही है, फिर उसके बाद 30 मिनट्स में मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा जावास्क्रिप्ट का, बहुत ही मतलब लाइक एसेंशियल इंट्रोडक्शन जिससे कि हम जावास्क्रिप्ट आगे चीज़ें समझ सकते हैं. ठीक है, और फिर उसके बाद जब ये हो जाएगा तो लास्ट की 20 मिनट्स में जैसा कि टाइमलाइन में है हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि मतलब अब इसके व्हाट नेक्स्ट, लाइक जो ये तीन लेक्चर हुए हैं अब हमें इसके बाद आगे वेब डेवलपमेंट को कैसे कंटिन्यू करना है अगर आपको लाइक वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है या कुछ है. उसके बाद हम लाइक लास्ट 10 मिनट्स में सारे डाउट्स ले लेंगे. ठीक है, सब लोगों के. तो आई होप ये रहेगा हमारा भी चलेगा. तो इससे लगभग ये 1.5 घंटे का टाइम लाइन है लेकिन इससे पहले ही आई होप खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो हम आज में ये करने वाले हैं. सही है, अच्छा तो ठीक है अब शुरू करते हैं. ठीक है सब, तो पहले मुझे मतलब अब अभी जो दो लेक्चर हुए हैं मतलब कौन कौन एक बार चैट में बता दीजिए कि कौन कौन है जो जिन्होंने पिछले दो लेक्चर भी मतलब कंटिन्यू करे हैं साथ में. लाइक क्योंकि उनसे इंटरेक्ट करना है थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा. उमामा, फ्रोज, लाइक ओके, उजमा, ठीक है. तो ठीक है ना गाइज, मतलब ऐसा ही करना है. ठीक है, सब लोग मतलब इंटरेक्ट करके चलिए. ठीक है, ये वेब डेवलपमेंट ऐसा है ये कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है. ठीक है, पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि अगर आप इसमें मतलब आप लोगों को ये लग रहा है कि अगर मान लीजिए मैं सब पढ़ लूँ और कर लूँ उसको या मतलब मज़ा हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है अगर आपको वेब डेवलपमेंट में आगे करना है और डेली करनी है. और प्लीज़ क्लास में इंटरेक्शन बना के रखिए. इसीलिए मैंने थ्योरी को मिनिमम कर दिया है, मतलब मिनिमम से भी मिनिमम कर दिया है क्योंकि इस फील्ड में थ्योरी का कोई ज़्यादा मतलब बनता नहीं है. ठीक है, इसमें क्योंकि सब जगह चीजें अवेलेबल हैं. तो आप प्लीज जो भी मतलब कुछ लग रहा हो कि हमने क्यों किया है ये तो छोड़िए कि कैसे हुआ है क्यों किया है, मतलब क्या इसका एडवांटेज था इस तरह से करने का. क्योंकि अभी मैं वेबसाइट बनाऊंगा तो जो लोग मेरे साथ फॉलो कर पाएंगे वो बेहतर है, चलिए ठीक है कर ले. और जो नहीं फॉलो कर पा रहे मेरे साथ उनको मैं आखिरी में पूरा कोड दे दूंगा और सारी रिसोर्सेज दे दूंगा जो भी हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं लेक्चर के एंड में. तो वो रूम पे जाके उसको मतलब लेक्चर के बाद सब लोग फिर से उसको देख सकते हैं, मतलब कोड दे दूंगा मैं और अपने आप से बनाएंगे. और जो लोग अच्छे से मतलब मेरे साथ कर सकते हैं फॉलो अप, मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा क्योंकि थोड़ा सा कवर करना है. बस फास्ट भी वेबसाइट के टाइम पे चलूंगा. ठीक है, वरना ऐसा हो जाएगा कि 1.5 घंटे में वेबसाइट भी नहीं बन पाएगी. तो चलूंगा और मतलब आप लोगों को समझना है और चीजों को जो लोग साथ में टाइप कर रहे हैं वो लोग करते भी चले, कोई इशू नहीं है. ठीक है, करते चले और लास्ट में मैं सारा कोड दे दूंगा, सारी रिसोर्सेज दे दूंगा. ठीक है, तो प्लीज कैमरा ऑन करके, ऑडियो ऑन करके या चैट में जो भी इशू है वो इंटरेक्ट करते चले, मतलब बताते चले. मैंने मतलब ज्वाइन कर रखा है दूसरी जगह से, मैं आपकी चैट्स को देख सकता हूँ. ठीक है, तो आप लोग को ये करना है. ठीक है ना, बिल्कुल मतलब बैठना नहीं है. जो भी आपको इशू लग रहा है कि ये क्यों किया है कैसे किया है वो सब आप लोगों को पूछना है. ठीक है, तो ठीक है एवरीवन, लाइक अब स्टार्ट करें. तो पहले मुझे कोई भी ये बता दीजिए, मतलब जिसने भी पहली दो क्लासेस की हैं, मतलब आपने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है. ठीक है, कोई मुझे बता सकता है कि हमने क्या क्या किया है अभी तक, लाइक तो इससे जो मतलब दूसरों को भी ये थोड़ा सा आइडिया लग जाए. ठीक है, एनीवन, एनीवन प्लीज, लाइक आप ऑडियो ऑन करके अपने ऑडियो ऑन करके बता सकते हैं मामा, लाइक सबको समझ में आ जाए. ठीक है, क्योंकि अभी हमने पिछले दो लेक्चर में सिर्फ ये देखा था कि इनका क्या इम्पोर्टेंस है टेक्स्ट का, ये सब क्या है, कैसे यूज होते हैं. आज हम एक मैं वेबसाइट बनाऊंगा अभी. ठीक है, एक सिंपल यूआई वेबसाइट रहेगी तो उसमें अभी हम कैसे उन चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं वो आप समझ जाएंगे क्यों हमने पढ़ा है. तो कोई प्लीज एक बार जिसको भी पता हो एक बार माइक ऑन करके बताएगा कोई, लाइक पिछले दो लेक्चर में मतलब एक बस जनरल व्यू बता सकता है ठीक, या फिर मैं बताऊंगा. ठीक है, हमने टैग्स के बारे में पढ़ा है, हेड टैग, बॉडी टैग और HTML का और CSS का क्या काम होता है, क्लास आईडी और
फ्लेक्स बॉक्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताया था। अच्छा वेरी गुड मामा, लाइक फ्रोज नाइस। तो हमने अभी तक यही किया है, ठीक है ना? अभी हमने कुछ ज्यादा किया नहीं है, अभी जावास्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो हमने सिंपली अभी तक क्या किया है कि पहले लेक्चर में हमने एचटीएमएल को देख लिया था, उसका स्ट्रक्चर, कैसे भी किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। वेरियस टैग्स के बारे में पढ़ा था कि हेडिंग टैग्स होते हैं जैसे, और इमेज टैग होता है, वीडियो टैग होता है, सब डिव होता है, ये सब के बारे में हमने पढ़ लिया था, ठीक है? और मतलब अभी मैं थोड़ा सा और बताते हुए भी चलूंगा इनके बारे में, जब वेबसाइट में, ठीक है ना, जब अभी हम बना रहे होंगे एक सिंपल सी, एक अच्छी सी वेबसाइट बनाएंगे, लाइक यूआई तो एटलीस्ट बनाएंगे फ्रंट एंड, ठीक है? तो उसमें यही था। तो हमने फिर सीएसएस पढ़ लिया था। सीएसएस में हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सीखी थी, पढ़ी थी, लाइक के हम किसी भी एलिमेंट को टारगेट कैसे करते हैं, ठीक है? लाइक थ्रू क्लास के, क्लास के थ्रू हम कैसे टारगेट करते हैं, डॉट ऑपरेटर लेके, और फिर मतलब आईडी के थ्रू टारगेट करना है तो फिर कैसे करते हैं, ठीक है? मतलब हैशटैग लेके, हैश लेके, तो ये सब हमने पहले पहले पढ़ लिया था। और अभी अभी हम करेंगे ना, तो और आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? और फिर हमने उसके बाद फ्लेक्स बॉक्स के बारे में पढ़ लिया था कि फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, ठीक है? तो कोई मुझे बताएगा कि हमने फ्लेक्स बॉक्स का क्या इंपॉर्टेंस था? कोई प्लीज बता सकता है क्यों हमने फ्लेक्स बॉक्स यूज किया था? लाइक एनीवन, एनीवन? और जो दूसरा ग्रिड पढ़ा था वो मतलब क्या था, उनका इम्पोर्टेंस क्या था? अच्छा चलिए मैं बताता हूँ, ठीक है? तो मतलब फ्लेक्स बॉक्स क्या था, जैसे हमें मान लीजिए किसी भी एलिमेंट को अगर सेंटर करना था या कहीं भी देना था, मतलब कहीं भी प्लेस करना था, तो हम क्या कर रहे थे, एक एक करके लिख रहे थे कि इसको मार्जिन लेफ्ट दे दो, मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल दे दो, मार्जिन राइट 100 पिक्सल दे दो, टॉप इतना दे दो। तो इससे क्या हो रहा था, हमारा मतलब बहुत ज्यादा कोड लिखना पड़ रहा था और एग्जैक्ट पोजीशन भी हम लोकेट नहीं कर पा रहे थे। तो फ्लेक्स बॉक्स ने हमें क्या किया कि हमें कुछ नहीं करना है, वो अपने आप से सब कैलकुलेट करेगा सारी प्रॉपर्टीज को कि कहाँ से कहाँ आना है, जब सिर्फ हमें फ्लेक्स बॉक्स लगाना है और उनको सेंटर कर देना है, मतलब ये से यूज कर लेना है, अलाइन आइटम्स सेंटर, और लाइक जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो फ्लेक्स बॉक्स से हमें ये फायदा हो जाता है कि हमें फिर कुछ नहीं देखना होता है, हम सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करेंगे और खुद मतलब ऑटोमेटिकली अपने आप से जो है वो सेंटर हो जाएगा, ठीक है? वो ऐसे ग्रिड का था कि अगर हमें बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड कस्टम लेआउट्स बनाने हैं, आजकल आप वेबसाइट्स में देखते ही हैं कि बहुत मतलब बहुत ज्यादा कस्टम लेआउट्स होते हैं, तो उनके लिए ग्रिड का यूज करते हैं, ठीक है? आगे चल के तो इसलिए हमने फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड पढ़ा था। तो आज हम उनको उनकी एप्लीकेशन देखने वाले हैं, इसीलिए मैंने ऐसा प्रोजेक्ट चूज किया है कि जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लेक्स बॉक्स एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रिड, क्योंकि सीएसएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आपको एक अच्छा डिजाइन करना है तो, ठीक है? और तो फिर उसके बाद तो ये आज हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि इनको इनका हम यूज करना सीख जाए एक्चुअली कैसे करते हैं, ठीक है? और दूसरी चीज ये रहेगी, बाद में मैं तुम्हें आपको एक इंट्रोडक्शन दूंगा जावास्क्रिप्ट का, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा कि आप लोग कैसे आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? तो यही आज का रहेगा, ठीक है? अब चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? तो पहले मेरे को ये बताएं कि कौन कौन लोग मेरे साथ फॉलो करने वाला है, ठीक है? जल्दी से मेरे साथ कोड लिखने वाला है, मैं वीएस कोड में चलने वाला हूँ, प्लीज उजमा, ठीक है ना? अगर आप फॉलो नहीं कर पाते हैं मेरे साथ तो कोई इशू नहीं है, ठीक है? आप जितना कर सकते हैं करिए, ओके? और बाकी मैं आपको पूरा कोड दूंगा, और अपने मतलब आप पहले अपने से ट्राई करिएगा समझ के, जैसे भी है मतलब क्लास ओवर होने के बाद या अभी, और फिर अगर नहीं समझ में आता है तो मैंने कैसे किया था वो सब आप कर सकते हैं, ठीक है? ओके, तो चलें अब शुरू करें। किसी को मतलब अभी कुछ पूछना हो प्लीज, डाउट कुछ भी हो पूछ लें, फिर मैं शुरू करता हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी, और ठीक है प्लीज किसी को कोई डाउट? नो डाउट्स, ओके नाइस। प्लीज इंटरेक्ट करते रहिए प्लीज, वरना थोड़ा बोरिंग हो जाएगा आपके लिए भी मेरे लिए भी। प्लीज इंटरेक्ट करते रहिए, माइक ऑन करके वीडियो ऑन करके, इसीलिए मैंने भी अपना वीडियो ऑन किया है, मैंने कहा थोड़ा लगे कि मतलब इंटरेक्शन हो रहा है। तो प्लीज आप लोग भी कोई भी मतलब जो कुछ भी है माइक ऑन करके बोल सकते हैं, ठीक है? क्योंकि मैं अभी फोन रख दूंगा तो मैं चैट तो शायद ना देख पाऊँ, ठीक है? या देखता भी रहूंगा, ठीक है?
तो आप लोग प्लीज जो भी है लाइक इंटरेक्ट करते रहिए, माइक ऑन करके बोलते रहिए, ठीक है? चलें शुरू करें तो, ठीक है? यस चल ओके, चलो चलिए। मैं मतलब आपको पहले मुझे ये बताइए कि किस कोई कोई भी वेबसाइट आप विजिट करते हैं, ठीक है, तो आपको किसी भी वेबसाइट में क्या क्या मेन पार्ट दिखाई देते हैं। जैसे आप फर्स्ट लिख मान लीजिए आप एमयू कंट्रोलर वेबसाइट या एमयू रोबो क्लब वेबसाइट विजिट करते हैं, तो आपको वेबसाइट पे क्या क्या दिखाई देता है? एनीवन, मतलब लाइक क्या क्या कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं लाइक किसी भी वेबसाइट पे, जो मतलब हर चीज हर वेबसाइट पे दिखाई देते हैं। कंपोनेंट्स आई मीन मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक नेव बार, हर वेबसाइट पे एक नेव बार होती ही होती है, मेरा मतलब ये था कहने का, कंपोनेंट मतलब, ठीक है? यस, तो और क्या क्या चीजें होती हैं लाइक अगर आपको मतलब डेवलपमेंट लेवल में बताऊं, जो बीच के पार्ट होते हैं उनको सेक्शंस बोलते हैं, कि ये होम पेज सेक्शन है, ये मिडल सेक्शन है, ये अबाउट अस सेक्शन है, तो उनको सेक्शंस बोलते हैं। तो इस तरह से होते हैं। और कुछ बताएं और क्या क्या पार्ट होता है किसी भी एक सिंपल से सिंपल वेबसाइट में। हेलो लाइक प्लीज ओके, चलिए मैं ही दिखाता हूँ आपको, एक पहले वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, ठीक है? इसको हटा देते हैं, ठीक है? ओ लाइक एमयू कंट्रोलर एग्जाम्स, मैं आपको यही दिखाता हूँ, या एमयू रोबो क्लब का ही देखते हैं, ठीक है? तो जैसे हमारा रोबो क्लब ही है, अपने क्लब का वेबसाइट है, इस पे क्या है, सबसे ऊपर एक नेवबार है, ठीक है, और ये इसका ये होम पेज सेक्शन है, ठीक है, ये होम पेज है, उसके बाद इसके नीचे के और सेक्शन है, और ये नीचे एक अच्छा सा फुटर है, ठीक है? तो ये ऐसी चीज है कि हर वेबसाइट पे होती है, अभी लोड हो रही है वेबसाइट इसलिए अच्छे से नहीं शो हो रहा है, ठीक है? लाइक हमारे एमयू के वेबसाइट पे ये फर्स्ट ही सबसे ऊपर क्या होती है, एक नेवबार होती है, कुछ सेक्शन होते हैं, ये एक सेक्शन है जिस पर अभी मेरा कर्जर है, ये एक सेक्शन है, ये पूरा एक होम पेज सेक्शन है, ठीक है? इस तरह से होती है, ये नीचे एक अच्छा सा फुटर इन्होंने दे रखा है, ठीक है? तो ये सब चीजें हैं जो हर एक वेबसाइट पे होती है, ठीक है? तो सबसे पहले हम अपनी कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं एक नॉर्मल सी। तो पहले मैं बताता हूँ हम बनाने क्या वाले हैं। हम एक सिंपल एक लाइक आपने देखा होगा जैसे कि अनस्प्लैश या पेक्सेल या इस तरह की वेबसाइट्स हैं जिनमें हम जाते हैं, मतलब वेरियस इमेजेस होती हैं उनको डाउनलोड करते हैं, ठीक है? तो उसका ही हम एक मॉडल ले रहे हैं, इतनी एडवांस पे तो नहीं जाएंगे क्योंकि इतना नहीं कर सकते अभी, उसमें बैकएंड भी बहुत सारा यूज है, लेकिन मैं एक सिंपल यूआई आपको उसका क्लोन करके दिखाता हूँ कि कैसे हम सीएसएस के थ्रू उसको क्लोन कर सकते हैं, ठीक है? तो वो करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको चलता हूँ, ठीक है, आपको वीएस कोड में चलते हैं, ठीक है? तो वीएस कोड ओपन नहीं है, ठीक है? मैं वीएस कोड में क्या करता हूँ, मैंने एक लेक्चर का ये बनाया था, इसको ऐसे ड्रैग ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है? तो हम यहाँ पे आ गए हैं, सही। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं चीजों को। लाइक आप लोगों को टेक्स्ट दिख रहा है सबको, मतलब टेक्स्ट विजिबल है, छोटा तो नहीं है ना, वरना जूम कर लूंगा, ठीक है? तो सबसे पहले हमारा एक मैंने फोल्डर ओपन कर लिया है, इसमें मैं सबसे पहले आप बताइए किसी भी वेबसाइट को अगर शुरू करना है तो हमने क्या किया था। सबसे पहले हम index.html बिल्कुल स्क्रेच से शुरू करेंगे, .html फाइल बना लेते हैं, ठीक है? और इसके लिए ठीक है, तो फिर क्या करना था, मैंने एक मतलब जैसे किया था, एक शॉर्टकट होता है कि जो भी हम मतलब एक टेम्पलेट ले सकते हैं, अब इसको बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं, जो कि हम ले सकते हैं, ठीक है ना? और यहाँ पे मैं एक टाइटल थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ, इसका हम लाइक नाम रखने वाले हैं, प्लीज जिसको भी कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो कि क्या चल मतलब क्यों किया है ये सर, तो पूछते हुए चले, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो मतलब लाइक हमारा क्या होता है कि सबसे पहले किसी भी वेबसाइट में एक होम पेज होता है, ठीक है? तो हम उस होम पेज को पहले डिजाइन कर लेते हैं, जो ठीक है, और मैंने जैसे बताया था कि सारा कोड हम बॉडी टेक के अंदर लिखेंगे, तो क्या करते हैं हम लाइक पहले हमें क्या क्रिएट करना है, एक होम पेज क्रिएट करना है, तो हम एक बड़ा सा कंटेनर बना लेते हैं, मतलब डिव जो होता है ना, एक कंटेनर होता है इसको, ठीक है ना? जैसे पहले ही बताया गया था, तो मैं इसको होम पेज नाम से एक क्लास देके ऐसे क्लास दे सकते हैं, ये एक हम होम पेज कंटेनर बना लेते हैं, ठीक है? और उसके अंदर सबसे पहला पार्ट क्या होता है किसी भी होम पेज का, तो उसके अंदर नेवबार होती है, तो मैं एक नेवबार टैग ले लेता हूँ, ठीक है ना?
और फिर उसके नीचे क्या होता है, उसके नीचे क्या होता है नेवबार टैग के अंदर, उसके नीचे होम पेज का कंटेंट होता है। तो देखिए मतलब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आप लोगों को ये देखते हुए चलना है कि मतलब कैसे हम किसी भी वेबसाइट के होम पेज को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप ये समझ गए ना तो फिर बैकएंड या वो तो अलग चीज है, लेकिन फिर आपको कभी भी किसी भी चीज को डिजाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आप लोग ये समझ गए कि कैसे कोई भी चीज स्ट्रक्चर होती है। तो सबसे पहले मेरे को होम पेज बनाना था बॉडी के अंदर, तो मैंने एक डिव ले लिया, ठीक है। उस डिव के अंदर क्या किया, मेरे को सबसे ऊपर नेवबार लेना था, तो मैंने एक नेवबार ले लिया। अब जितना भी नेवबार का कोड है मैं इसके अंदर लिखता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो सबसे पहले नेवबार में क्या होता है, आप लोग बताएगा कोई माइक ऑन करके, नेवबार में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें ले सकते हैं हम, प्लीज जल्दी जल्दी बताएं। अभी मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, अभी और तेज हो मतलब हो जाऊंगा, ठीक है। तो नेवबार में क्या क्या चीजें होती हैं ये कोई बताएगा, मतलब हमारे मतलब लिंक्स होती हैं लाइक, तो मेन्यूज होती हैं। तो अब नेवबार के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक और कंटेनर ले सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सारी मेन्यूज डाल लेंगे, यूएल, ठीक है ना। किसी को भी लगे मतलब कि कैसे हो रहा है ये, तो ठीक है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, पहले नेवबार में क्या चीज होती है, मतलब सबसे पहले मेन्यूज होती हैं कुछ। तो मैंने कंटेनर बना लिया मेन्यू का, जिसमें हम अपनी सारी मेन्यूज रखने वाले हैं। तो लाइक फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे अभी हम अपनी वेबसाइट में सिंपली अबाउट रखते हैं, ठीक है ना। लाइक ये सब चीजें हम लिंक के अंदर रखते हैं, लेकिन यहाँ हम अभी बैकएंड नहीं देखने वाले हैं, तो अभी हम फ्रंट एंड ही करेंगे। तो मैं नॉर्मली इनको बस अभी ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है। बाद में हम इसको लिंक में भी लिंक के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या होती है, मतलब कुछ भी ले सकते हैं, जैसे अबाउट हो गया, दूसरा हो गया कॉन्टेक्ट, और एक सबसे ऊपर जो चीज होती है लाइक, अच्छा सब लोगों को स्क्रीन तो मतलब दिख रहा है ना, टेक्स्ट तो दिख रहा है ना, यहाँ जूम करने की जरूरत है, प्लीज बताएं सब लोग। दिख रहा है भाई। अच्छा ओके ठीक है, दिख रहा है। तो ठीक है, आप लोग स्ट्रक्चर समझिए, ठीक है ना। बाकी तो आप लोग रूम पे आराम से कर सकते हैं कि कैसे हम किसी भी वेबसाइट को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले हमने डिव ले लिया, सही है। अभी हम कैसा इसका इफेक्ट है वो अभी देखते हैं, ठीक है ना। जो तुरंत जाके पहले एक बार लाइव सर्वर चला ही लेते हैं। तो सपने ये तो कर ही रखा होगा, मतलब गो लाइव सर्वर, जो मैंने एक्सटेंशन पहले भी डाउनलोड करवाया था, तो इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ मैं, देखता हूँ कि इसका इफेक्ट क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी देखिए क्या आ रहा है, ये खाली अभी HTML है, सिर्फ HTML है। तो अभी बस जैसा हम इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हैं ऐसा ही होता जा रहा है, ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसी नेवबार होनी चाहिए थी। तो इसको भी हम डिजाइन करेंगे, ठीक है ना। तो पहले पूरा हम एक नेवबार का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। तो अब डिव के ऊपर क्या होता है, मतलब जैसे मतलब और क्या क्या नेवबार में हम चीजें रख सकते हैं, ठीक है ना। ये कोई मतलब प्री डिफाइंड नहीं है, आप लोगों को आप लोग बताएंगे क्या रखना चाहिए हमें, फिर हम कुछ भी रख सकते हैं, लाइक कोई भी एक बटन रख सकते हैं, ठीक है ना। बटन लाइक बटन जैसे होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट पे आपने देखा होगा कि लॉगिन का बटन होता है, ठीक है ना। देखते हैं अब कैसा दिखाई दे रहा है, ये अब ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो इसको भी देखेंगे, तो अब इसको लाइक ठीक है, ये ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो और कुछ चाहिए हमें नेव बार के अंदर, लाइक तीन हमने मेन्यूज ले लिए, डेमो मेन्यूज है, ठीक है ना, एक बटन ले लिया है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें रख सकते हैं अपनी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन अभी हम सिर्फ यही रख रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी स्ट्रक्चर समझ आ, ठीक है। तो ये हो गया, अब बाकी होम पेज में अभी नेव बार हो गया। तो नेव बार के अलावा और क्या क्या चीजें होती है, अब मैंने जैसे बताया था कि नीचे का सेक्शन जो किसी भी होम पेज का होता है, आपको मैं दिखाता हूँ फिर से, ऊपर की नेव बार मान लीजिए अभी हमारी बन के ऐसी हो जाएगी, ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगी। फिर उसके नीचे का सेक्शन हमको चाहिए, जैसे कि होम पेज सेक्शन, ये आपको दिख रहा होगा। तो अब इसको ठीक है ना, इसको बनाते हैं। तो मैं एक फिर से डिव ले लेता हूँ, और इस डिव को क्लास नेम दे देता हूँ, क्लास दे देता हूँ होम पेज कंटेंट, ठीक है ना, होम पेज कंटेंट दे देता हूँ। इसमें क्या क्या लिखने वाले हैं हम, ठीक है। तो इसमें बताता हूँ, लाइक सबसे पहले तो हम अपनी गैलरी के अंदर लाइक सबसे पहले एक H1 ही लिख लेते हैं, H1 टैग। इसमें कुछ इस तरह से कुछ भी डेमो टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। टेक्स्ट को हम अभी नहीं देखने वाले हैं,
माई गैलरी ओके और लाइक एक छोटा सा कोई पैराग्राफ टैग दे देते हैं और कोई डेमो टेक्स्ट ले लेते हैं फिलहाल के लिए, बाद में चेंज कर देंगे लोरेम 20 वर्ड्स ठीक है, और एक सिंपली एक बटन दे देते हैं ठीक है, बटन एक्सप्लोर कुछ इस तरह से लिख देते हैं ठीक है, एक्सप्लोर मोर एक्सप्लोर नाउ लिख देते हैं ठीक है, ये अच्छा लग रहा है एक्सप्लोर नाउ। तो अब देखते हैं अब हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है, लाइक दिस, ये नेव बार है। तो ये HTML का स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है अगर हमारे पास CSS ना हो तो ठीक है ना, ये आप लोग पहले भी देख ही चुके हैं। तो चलिए अब इसको हम थोड़ा थोड़ा डिजाइन करना शुरू करते हैं ठीक है, तो ये तो हो गया ठीक है। अब मेरे को ये कोई ये बता सकता है कि ये मतलब मैं बार बार div के अंदर मैं क्यों एनक्लोज कर रहा हूँ चीजों को, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे कि मैंने अभी ये div क्रिएट किया, ये तो मैं डायरेक्ट H1 भी लिख सकता था, पैराग्राफ भी लिख सकता था, बटन भी लिख सकता था बिना इस div के, तो इनमें एनक्लोज क्यों कर रहे हैं हम इन सब चीजों को? ताकि स्टाइल कर सके उसे CSS स्टाइल तो डायरेक्टली H1 को नहीं कर सकते हम? लाइक देखिए मैं आपको बताता हूँ, लाइक पहले तो HTML ऐड करना है मुझे, स्टाइल ऐड करना है, तो स्टाइल कैसे ऐड करना है बताइए, कैसे करते स्टाइल हैं? टैग्स लाइक स्टाइल टैग से कर सकते हैं, या अगर हमें एक्सटर्नली करना है तो हम यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब इस तरह से कर सकते हैं। तो लाइक इंडेक्स डॉट CSS फाइल है, अब ये फाइल कहाँ है, ये खुद क्रिएट हो जाएगी, नहीं सॉरी इंडेक्स, इसको स्टाइल ले लेते हैं, ये फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है ठीक है ना। तो मैंने एक फाइल बना रखी थी, देखिए ये एम्प्टी फाइल है, मैंने अभी इसलिए आपको बना रख के रख रखी थी, मैंने कहा ठीक है पहले बना लेते हैं। तो हमने इस स्टाइल को CSS फाइल को इससे अभी कनेक्ट कर दिया है ठीक है ना। तो अब हम जो भी यहाँ पे लिखेंगे लाइक H1, ये तो हम अब भी कर सकते हैं कि मतलब कलर क्या हो जाए, इसका रेड हो जाए, ये तो हम अब भी टारगेट कर सकते हैं, देखिए हो गई। तो डिव बार बार डिव में क्यों ले रहे हैं ठीक है ना, कोई बताएगा मुझे थोड़ा सा? चलिए मैं बताता हूँ ठीक है ना। तो अभी क्या है कि जब भी हम किसी चीज को डिव में ले लेते हैं ना, तो डिव एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, उससे फायदा क्या होता है कि उसके स्टाइल का मतलब उसके पूरे स्टाइल का कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है, जैसे पहले कंट्रोल था वो नहीं, अब पूरा कंट्रोल, लाइक अब हम उस पे फ्लेक्स बॉक्स बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, ग्रिड बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करते हैं। तो जब आगे चल के, अभी तो नॉर्मल वेबसाइट है, अभी तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि मतलब मान लीजिए मैं बिना डिव के लूं या डिव के लूं तो कुछ इतना नहीं होगा, लेकिन जब बाद में कॉम्प्लेक्स हमें अगर लेआउट्स बनाने हैं ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, तो उसमें हम डिव में अगर ले लेते हैं ना, तो डिव क्या क्या चीजें होती है कि फिर पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाता है डिव के थ्रू ठीक है, तो इसलिए लेते हैं ठीक है। क्लियर हुआ है सबको? क्योंकि अभी ये तो है नहीं कि हम अभी इसी पे रुक के, अगर आगे डेवलपमेंट करना है तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कभी कभी बनाने पड़ते हैं, तो इसलिए लेते हैं ठीक है। सबको क्लियर है ठीक है? इसीलिए मैं बार बार हर चीज को ट्राई कर रहा हूं कि एक डिव के अंदर रैप कर लूं, जिससे कि मुझे आसानी हो जाए। देखिए अभी कैसे आसानी होगी मैं आपको बताता हूँ, देखो कितना इजी हो जाएगा ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा, ये टेक्स्ट ज्यादा बड़ा हो रहा है, लाइन ड्रॉप कर लेगा ठीक है। अब इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं सही है, तो चलिए बताते हुए शुरू करिए, मतलब चलते हैं। सबसे पहले तो मैं एक चीज दे देता हूँ, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, ये स्टार जो सिलेक्टर है आप लोगों ने कभी देखा है, मतलब किसी को पता है क्या होता है स्टार सिलेक्टर? जैसे कि डॉट जो होता है वो क्लास को सिलेक्ट करता है, क्लास को टारगेट करता है, और जो हैश होता है वो आईडी को टारगेट करता है, तो ये स्टार किसको टारगेट करता है? एनीवन? अच्छा मैं बता रहा हूँ, चलिए तो ये क्या करता है स्टार जो सिलेक्ट करता है ना, अगर आपको नहीं पता मतलब बता दीजिए कोई मसला नहीं, मतलब आपको के नहीं आप बताइए तो ठीक है ना। तो स्टार क्या करता है कि पूरे हमारे पूरे HTML डॉक्यूमेंट को एक साथ टारगेट करता है, इसको बोलते हैं
मतलब के लाइक एब्सोल्यूट सिलेक्टर, मतलब पूरे को एक साथ सिलेक्ट करने के लिए, यस उस्माने कहा है टू सिलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑन द पेज, यस। तो ये पूरे को ना, पूरे ही पेज को एक साथ सिलेक्ट कर लेता है। तो कुछ मैं थोड़ा सा इसमें स्टाइलिंग दे देता हूँ, लाइक बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। ये भी आपको मैं बताता हूँ क्या होता है। ये क्या करता है कि हमारे जो बॉक्स मॉडल, जो हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, तो उसके लिए मतलब जो भी डिफॉल्ट साइज ये क्रोम ब्राउजर ले रहा है उसको हटा देता है, ठीक है ना। तो अब उसको बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देगा। इसको आगे चल के थोड़ा और आगे आप आराम से समझ जाएंगे जब आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे डेवलपमेंट में। और एक काम और कर लेता हूँ मैं, पेडिंग जीरो, इनिशियल पेडिंग ये पूरे पे, कि जो भी हम दे सिर्फ वही रहे, ब्राउजर अपनी तरफ से कुछ ना दे। क्योंकि पहली बात ये है कि ब्राउजर जो है ना, खुद चाहता है कि कोई भी वेब पेज हो वो अपने आप से रेस्पॉन्सिव हो। तो वो खुद कुछ ना कुछ पेडिंग दे देता है अपनी तरफ से, कुछ मार्जिन दे देता है अपनी तरफ से। तो अगर हम चाहते हैं कि वो सब ना दे ब्राउजर, तो हम यहाँ पे लाइक पूरा एक स्टार सिलेक्टर लेके पेडिंग और मार्जिन जीरो कर देते हैं, ठीक है ना। देखो इससे कुछ इफेक्ट पड़ा है या नहीं, देखो पड़ गया नहीं। पहले क्या था कि जब हमने इसको हटाया था तो कुछ ब्राउजर ने अपनी तरफ से दे रखी थी, तो अब वो हट गई है। लाइक सिंपली मैं इनको कमेंट कर दूं, पहले ब्राउजर ने ऐसी दे रखी थी, अब ये सब हटा दिया है। ओके तो ये क्लियर है सबको, ठीक है। तो अब लाइक हम अब टारगेट करते हैं अपने, सबसे पहले होम पेज को टारगेट करते हैं, ठीक है। क्लास लगाना तो भूल ही गए। होम पेज को टारगेट कर रहे हैं, होम पेज में हमको क्या करना है, ठीक है, बताएगा कोई? विद ले लेते हैं हम 100, विद और एच ई आई हाइट ले लेते हैं 100 BH। आप लोगों को ये क्लास मतलब मेजरमेंट्स पता है क्या कर रहे हैं, मतलब 100 व्यू पोर्ट, पूरी डिस्प्ले का 100% हाइट, 100% व्यू हाइट, इसका ये मतलब होता है, ठीक है ना। तो ये होता है, ठीक है। और लाइक तो अभी के लिए ये हो गया, सही है। तो अब देखते हैं अब कैसा है, अभी भी ऐसा ही है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम, दूसरा हमारा डॉक्यूमेंट क्या था, उसके बाद हमारा था होम पेज के बाद नेव टैग, ठीक है। तो अब नेव टैग को थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर लेके आते हैं कि कैसे चल रहा है चीजों को, ठीक है। तो नेव हम सिलेक्ट करते हैं, नेव बार को हमें क्या रखना है, लाइक ये विद, तो नेव बार की विद तो इतनी ही रहेगी, क्योंकि नेव बार की विद तो उतनी ही रहती है। और एच ए आई जी, आप लोग ये देख रहे होंगे ये क्या आ रहा है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा एक टैब लाइन यूज कर रखा है, तो वो थोड़ा सा वो दे रहा है। तो इसकी मैं हाइट लेट से 100 पिक्सल ले लेता हूँ, ठीक है। तो अभी एक डेमो के लिए बैकग्राउंड कलर मैं आपको देके दिखाता हूँ कि अभी ये नेवबार कहाँ चल रही है। ठीक है ना, तो ये नेवार जो है ना अभी हमारी यहाँ पे है, ठीक है ना। ये तो मैं कलर हटा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक रेफरेंस के लिए आपको लेके दिखाया था कि जब हमने 100 पिक्सल्स कर दिए हाइट को तो क्या हो गया है, ठीक है। तो अब मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करता हूँ, कुछ इफेक्ट हुआ है, कुछ नहीं हुआ है अभी, ठीक है। फ्लेक्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती थी, जस्टिफाई कॉन्टेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है। देखो अब फ्लेक्स से क्या हुआ है कि अभी जब तक मैंने ये नहीं लगाया था जस्टिफाई कॉन्टेंट स्पेस बिटवीन, तो क्या हो रहा था कि ये दोनों एक साथ थे, ये मेन्यूज भी और ये भी। तो अब क्या हो गया है कि ये लाइक इसको ऑन करते ही ये इधर आ गया है, ये इधर आ गया है। तो स्पेस बिटवीन की जगह स्पेस अराउंड ले लेते हैं, वो थोड़ा सा लेफ्ट राइट में क्या करता है, स्पेस अराउंड थोड़ा सा लेफ्ट राइट में दे देता है, मतलब स्पेस दे देता है। लाइन आइटम सेंटर ले लेते हैं, ये थोड़ा सा नीचे ले आएगा इसको, ठीक है। तो अभी ये हो गया, अब चलिए इसके अंदर अपनी अब मेन्यूज को कर लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको डिजाइन करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। किसी को भी कि क्या हो मतलब कहीं पे भी डाउट हो रहा है प्लीज बताते चले, ठीक है। तो
एक सेकंड में जरा, ये ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। को पायलट इसको बंद कर देता हूं, ये आगे आगे चल रहा है। ठीक है, अब नहीं चलेगा। ओके, तो मेन्यूज के अंदर लाइक डिस्प्ले, मेन्यूज को भी डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं। और अब मान लीजिए मेन्यूज के अंदर क्या था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैं मेन्यूज के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट थी। यूएल मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अब हमें अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट को टारगेट करना है तो हमको कैसे लिखना पड़ेगा? हमको ऐसे लिखना पड़ेगा लाइक डॉट MENUS मेन्यूज यूएल। तो ये क्या करेगा, अब ये जो उसके अंदर तीन लिस्ट नहीं थी उनको टारगेट कर रहे हैं हम। ठीक है ना, तो इसको भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर लेते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स, एक प्रॉपर्टी होती है फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन अगर हम रो, बाय डिफॉल्ट रो होता है लेकिन फिर भी कर लेते हैं। ठीक है ना, जस्टिफाई कॉन्टेंट लाइक स्पेस अराउंड कर देते हैं। ठीक है, हमें क्योंकि देखें कुछ फर्क पड़ रहा है, अभी तक नहीं पड़ा है। ठीक है, और देखते हैं। अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है, सही चल रहा है। अभी देखिए, अभी थोड़ा सा हो जाएगा, अभी मैं इसको करने वाला हूँ। मेन्यू, ये मेन्यू है या मेन्यूज है? ओके, मेन्यूज है। मेन्यूज डॉट यूएल डॉट एल आई। अब ये आपको सिलेक्ट करने का तरीका समझ में आ रहा है? हम मतलब ये लूप होता है, मतलब रूट टू पेरेंट चल रहे हैं हम, मतलब पेरेंट टू रूट। मेन्यूज के अंदर यूएल, अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एल आई। तो उसके अंदर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं लाइक टेक्स्ट डेकोरेशन। जो बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं वो हट जाएंगे लिस्ट पे, ये सब हट जाएंगे। ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, वाई इज दैट? स्टाइल डॉट सीएसएस। ओके, ठीक है, सब ठीक है। ओके, चलिए स्टाइल करना शुरू करते हैं। लिस्ट स्टाइल नन कर देते हैं। ठीक है, लिस्ट स्टाइल नन से क्या होगा, एक सेकेंड, सर्वर गो लाइव, सॉरी। ओके, ठीक है ना, अब हो रहा है। वो पहले सर्वर हट गया था, लोकल होस्ट सर्वर। ठीक है ना, तो अब देखा आप लोगों ने कि ये जो है ना लिस्ट स्टाइल अब हमारा ऐसा हो गया है। ठीक है, अब जो वर्टिकली आ रहा था मतलब वो अब ये ऐसा हो गया है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन रो लाइक एल आई मार्जिन टॉप बॉटम 0 ही कर लेते हैं और 20 पिक्सल्स कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि ये अब हटती जा रही है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर हो रहा है हमारा ये। ठीक है, तो ऐसे करना होता है। अभी आगे करते हैं, थोड़ा सा और अच्छा इसको डिजाइन करते हैं, जैसा लगे कि ये नेवबार टाइप है, ऐसा कुछ लग जाए। ठीक है, तो उसके लिए अभी क्या करना है, फ्लेक्स डायरेक्शन, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर हो गया, ये सब हो गया। तो इसको 20 की जगह और 25 कर लेते हैं। लाइक ठीक है, अब इस बटन को थोड़ा कर लेते हैं, इस बटन को थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले एक काम पहले कर लेते हैं, इसको जो हमारा होम पेज है ना इसको थोड़ा सा हम बैकग्राउंड दे देते हैं। जैसे कि अभी ये वाइट वाइट लग रहा है ना, तो बैकग्राउंड हट जाए। ठीक है, तो बैकग्राउंड में RGBA 0, ये कलर देने की एक वो तरीका होता है। ठीक है ना, 0.7। और URL में क्या देने वाले हैं हम, एक अच्छा सा बैकग्राउंड इमेज भी देने वाला हूँ। ठीक है ना, कलर तो ये रहेगा और बैकग्राउंड इमेज ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी जगह अगर URL देना होता है तो ऐसे देते हैं। एसेट्स मैंने पहले से ही थोड़ा सा ले रखा है आप लोगों के लिए, तो मैं इसको शेयर कर दूंगा।
तो मैंने ये दिया तो ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा सा मतलब बैकग्राउंड लग गया है। अभी इसको थोड़ा सा ओपेसिटी कम करते हैं, ठीक है ना, एक अच्छा सा बैकग्राउंड में इसको कन्वर्ट करते हैं। लाइक बैकग्राउंड ब्लेंड मोड लाइक डार्केन, ये क्या करेगा देखो। ये आपने बहुत लोगों ने देखा होगा, मतलब कभी कभी बैकग्राउंड हल्का सा ब्लैक ब्लैक होता है, मतलब ओपेसिटी कम सी होती है, तो उसको कर देता है। तो अब बैकग्राउंड की थोड़ी सी हम लाइक पोजीशन, इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज होती हैं बैकग्राउंड अटैच करने की, वो लगा देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कवर बैकग्राउंड साइज कोई फॉलो कर रहा है साथ में, सब लोग देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी कुछ यस नहीं कर रहा हूँ, हाँ। तो सिर्फ मतलब होम पेज पे बैकग्राउंड एक लगा रहा हूँ, मतलब बैकग्राउंड लगा रहा हूँ, जिससे कि अभी होम पेज खाली खाली सा लग रहा था ना, ये थोड़ा सा भर जाए, ठीक है। देखो अब कितना अच्छा सा लग रहा है, तो ये हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको कोशिश कर रहा हूँ करने की, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, बैकग्राउंड में एक ये हल्का सा कलर दे दिया जो RGB है, मतलब ये आखिरी पॉइंट जो होता है ओपेसिटी का होता है, ये आप सीख जाएंगे, टेंशन ना लीजिए। अभी आप गूगल सर्च करके भी कर रहे हैं ना, कोई इशू नहीं है, टाइम के साथ ही सीखते हैं, ठीक है ना। मैं भी बहुत सारी चीजें अभी गूगल सर्च ही करता हूँ जब फंस जाता हूँ, और डेवलपर्स की लाइफ में यही होता है, ठीक है ना, सब चीजें याद नहीं रह सकते। और ये दूसरी एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड की ही, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है बैकग्राउंड की। तो ये ब्लेंड मोड क्या है, ये इसको एक अच्छा सा कलर दे देता है, मतलब लाइक पहले क्या था, ये बहुत ही ज्यादा व्हाइट व्हाइट सा हो रहा था, तो इसको इसने ब्लेंड मोड में कन्वर्ट कर दिया। जैसे किसी ने अगर मान लिए इसको ब्लेंड कर दिया, ब्लेंड मतलब इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ कर दिया है, और कलर जो ओपेसिटी थी ना वो कम कर दी है इसकी जो थी, ठीक है। और बैकग्राउंड साइज कवर मतलब कि जितनी भी ये पूरी विद और हाइट को पूरे को कर ले, ठीक है ना। और एक और सिंपली सी एक और बैकग्राउंड की होती है, वो भी यूज ही कर लेते हैं, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, इसको कर लिया। देखिए अब अपना बैकग्राउंड कैसा लग रहा है, अच्छा लग, ठीक है, अब सही चल रहा है। अब हमारी मेन्यूज नहीं दिख रही है, हमारी मेन्यूज क्यों नहीं दिख रही है, कोई बताएगा मुझको मेन्यू को क्या हुआ है? एवरीवन मेन्यू कहाँ गई है, यहाँ से इस पे से मेन्यूज कहाँ गई है, प्लीज सब लोग साथ रहे या है अभी, प्लीज बताते रहे। हेलो हेलो एवरीवन, बिहाइंड बैकग्राउंड, उसमें बैकग्राउंड के बिहाइंड नहीं है, बैकग्राउंड पे ये देखो कलर चेंज नहीं है, ठीक है ना। कलर मैं चेंज करता हूँ ना, जैसे ही कलर को व्हाइट कर देता हूँ मैं, तो आ जाएगी, ठीक है ना। अच्छा गेस किया था आप लोगों ने कि बैकग्राउंड पे ही है, लेकिन वो पीछे नहीं थी, मतलब उसको पीछे पहुंचाने का भी तरीका होता है, एक तरीका होता है जेड इंडेक्स, वो सेट कर देता है पोजिशन जेड एक्सिस में, तो वो भी एक तरीका है। लेकिन ये अभी पीछे नहीं थी, ये सिर्फ ब्लैक बैकग्राउंड पे ब्लैक ही हमारे टेक्स्ट का कलर था, तो इसलिए ऊपर ही दिख नहीं रहा था, तो अब इसको हो गया है, ठीक है ना। तो मैं अभी एक बटन कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब इस थोड़ा सा इस बटन को और करता हूँ, फिर हमारा नेव बार कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हमारा एक ही बटन है, तो सिंपली बटन को एज अ बटन टारगेट ही कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट में कभी भी ऐसे नहीं करते हैं, क्लास के साथ टारगेट करते हैं। अगर मैं इस तरह से अभी कर रहा हूँ, तो ये एक ही बटन है, तो वही मतलब वो हो जाएगा, उसी को मतलब स्टाइल हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब बहुत सारे किसी भी वेबसाइट में बटन होते हैं, तो उनको उनके क्लास के साथ टारगेट करना रहता है। जैसे कि ये बटन किस चीज का है, ये बटन नेव बार का बटन है, तो चलिए मैं लगा ही देता हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये नेव बार का बटन है, तो इसको हम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले मैं पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है। पेडिंग कितनी दे दें, 10 पिक्सल्स ऊपर और नीचे दे दें, और लाइक 15 पिक्सल्स राइट लेफ्ट दे देते हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड क्या देना चाहते हैं आप लोग, बैकग्राउंड अभी के लिए नन दे देते हैं, क्योंकि हमारा लाइक इमेज तो हमारा कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। तो अभी ये देखो बटन ये है, अभी कुछ दिख नहीं रहा है, तो मैं कलर जैसे ही दूंगा ना आ जाएगा, वो कलर व्हाइट कर देते हैं ना, तो वो दिखना शुरू हो जाएगा, ये रहा बटन, ठीक है। बॉर्डर
नन बॉर्डर है ये भी हट जाएगा, ठीक है। बैकग्राउंड इसकी नन की जगह एक अच्छा सा बैकग्राउंड दे देते हैं, वाइट ही दे देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बैकग्राउंड वाइट, ओके, और कलर ब्लैक कर देते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, लाइक, ठीक है, अब अच्छा लग रहा है। तो आप प्रॉपर्टी मतलब समझ रहे हैं ना कि कैसे स्टाइल तक आपको सीखना है, यहाँ पे क्या सीखना है कि कैसे हम अप्रोच कर रहे हैं चीज़ों को। बाकी आप अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, मतलब करके देखिए, प्ले करिए रूम पे कि कैसे हो रही है चीज़ें, ठीक है। तो मैं आपको एक अच्छे से मतलब आइडिया दे के जाऊंगा आज कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए, अभी क्या है ये बटन, कोई मुझे बताएगा कि ये बटन जो है कॉर्नर्स बहुत शार्प हो रहे हैं, इसको कॉर्नर्स को कम करना है तो क्या क्या करूं मैं, बताइए कोई प्लीज प्लीज बताएं कोई। बॉर्डर रेडियस ओके नाइस, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, ठीक है, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं, कितनी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, एरर ट्रायल मान लीजिए 5 5 पिक्सल देता हूं मैं, ठीक है, अभी के लिए, ठीक है। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, अभी क्या हो रहा है कि इस पे मैं लेके जा रहा हूँ तो एक एज अ कर्जर शो नहीं कर रहा है, उसके लिए एक सिंपल प्रॉपर्टी होती है, लाइक कर्जर किस तरह का चाहिए तुमको, कर्जर हमको पॉइंटर चाहिए, तो पॉइंटर ही कर्जर होता है ज्यादातर, ठीक है, तो ये पॉइंटर हो जाएगा। ओके अभी इस पे हम अच्छे से आवर इफेक्ट भी देंगे, मतलब अभी देखते हैं टाइम के हिसाब से कि कैसा चलता है, इस पे अच्छे से आवर इफेक्ट भी देंगे कि जब इस पे आवर कर रहे हैं तो इसका कलर चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है, तो ये सब भी करेंगे, ठीक है। तो नेवार हो गया। अब अच्छा मैं एक थोड़ा सा अभी आपको ये और बताता हूँ, एक अच्छा मेरे फॉन्ट मैंने लेके रखा था आप लोगों के लिए, उस फॉन्ट को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में मेरा यही पर्पस था कि थोड़ा सा आप लोगों को बता भी दिया जाए कि कैसी चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो मुझे एक अच्छा सा गूगल फॉन्ट में इम्पोर्ट करता हूँ आप लोगों को आज, गूगल फॉन्ट जिसको नहीं आता है मतलब इम्पोर्ट करना, वो भी आपको सीख जाएंगे। तो अगर आपको कोई भी फॉन्ट चाहिए ना तो गूगल एक प्रोवाइड करता है गूगल फॉन्ट्स, ये सारे फॉन्ट्स हम अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लाइक तो मैंने एक अभी फॉन्ट लिया था, मैं सिंपली अपने फॉन्ट का नाम सर्च कर सकते हैं अगर आपको पता है तो। सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग, एक फॉन्ट था अच्छा सा, ओके, कांट फाइंड एनी फॉन्ट्स, ठीक है, कलम तो नहीं था, हाँ यस कलम, ओके। तो इस फॉन्ट को इम्पोर्ट करने के लिए क्या करना होता है, इस पे सिंपली इस पे क्लिक करेंगे और जो जो भी साइट टाइप लेना है उस पे क्लिक कर देंगे। ये मैंने ऑलरेडी अभी सिलेक्ट कर रखा है, तो ये जैसे जैसे ये वाला फॉन्ट लेना है, ये लेना, ये लेना, इन पे क्लिक कर लेंगे तो इधर ऐड होता जाएगा। उसको अगर हमको अपने HTML में इंक्लूड करना है तो मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। इम्पोर्ट करने के लिए सिर्फ क्या करना होता है कि ये जो स्टाइल के बीच का पार्ट है ना, इसको कॉपी करके सिर्फ अपनी अपने CSS में ले आओ, ठीक है, और इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लो। ओके अब इसको यूज करने के लिए क्या करना है, पूरे पूरे HTML पे फॉन्ट फैमिली लगा दो, बस सिंपली इतना सिंपल होता है किसी भी फॉन्ट को यूज करना। तो उस फॉन्ट का नाम क्या था, शायद कलम, कलम लाइक, फिर उसके बाद कर्सिव। देखो उन्होंने गूगल फॉन्ट में ये भी सब दिया हुआ था कि कैसे किसी भी चीज को यूज करना है। देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है कि कैसे इसको यूज करना है, तो हमने शायद ऐसे ही किया है, कलम कर्सिव, ओके नाइस, बस एम को कैपिटल रखना था। तो अगर चेक करना हो कि लगा है नहीं लगा है तो अपनी वेबसाइट पे आके हम देखते हैं, अभी लगा है या नहीं लगा है, नहीं लगा है ना, तो उसके लिए क्या है हमको ऊपर रखना पड़ेगा, फोन फैमिली कर्सिव, ठीक है, ठीक है, अब लग गया है, सही है। तो देखो ये फॉन्ट कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी नेवबार आपको लग रहा होगा थोड़ा सा शेप होके आ गया है नेवबार का, ठीक है, अब इसके नीचे का पार्ट बना लेते हैं, सही है, ओके। जल्दी से होम पेज खत्म करते हैं फिर नीचे के पार्ट में आते हैं, ओके। तो प्लीज अभी तक किसी को मतलब लग रहा हो कि ये क्यों किया था, सिर्फ वेब डेवलपमेंट में यही सबसे मेन क्वेश्चन है कि ये चीज हमने क्यों की थी,
प्लीज अगर इसको अभी तक किसी भी पार्ट में लग रहा है कि हमने ये क्या किया और क्यों किया, प्लीज बताएं अभी, ठीक है, जितने भी लोग हैं, एनीवन। फिर हम आगे का पार्ट जल्दी से मतलब करते हैं, मेरे को दिखाना है अब आप लोगों को। आप लोग रूम पे इसको ट्राई करिएगा जैसे जैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ, और कहीं फंसते हैं तो लाइक आप ले सकते हैं, ठीक है ना। मैं भी आप लोगों के सामने ही कर रहा हूँ, मैंने भी अभी तक नहीं किया इसको, ठीक है। तो एनीवन प्लीज, किसी को डाउट है प्लीज यस नो कुछ तो बोले, एनीवन। नो उज्मा, ठीक है। अच्छा ये बताएं, समझ में तो आ रहा है ना, फास्ट तो नहीं हो रहा है, प्लीज बताएं जल्दी। मैं फास्ट थोड़ा सा इसलिए टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि देखिए ऑलरेडी लाइक 40 मिनट्स हो गई है हमें क्लास लेते हुए, समझ आ रहा है। ओके थैंक्स अफरोज। और किसी को थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो हम स्लो कर सकते हैं, बस फिर आप लोगों को थोड़ा सा 15-20 मिनट और देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, प्लीज। किसी को मतलब सही चल रहा है ना, हाउ स्लो है आप, फास्ट नहीं। अच्छा हम स्लो हैं आप फास्ट नहीं हो, नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, हम भी स्लो ही थे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम के साथ सब सही हो जाता है। टाइम जैसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना चीज़ों की, आप डेवलपमेंट की प्रैक्टिस करेंगे, डेवलपमेंट में फास्ट हो जाएंगे, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करेंगे उसमें अच्छे हो जाएंगे, ठीक है ना, उसका कोई इशू नहीं है। तो मैं इसीलिए थोड़ा सा हल्का सा फास्ट चलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब हो जाए, अभी देखिए अभी नेवबार ही हुआ है लेकिन अब नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा नेवबार ने शेप ले लिया है, अब हम क्या करते हैं, अपने जो सेकेंड पार्ट था होम पेज कॉन्टेंट, इसको हम थोड़ा सा अब शेप करते हैं, ठीक है। ठीक है तो जल्दी से मैं आ जाता हूँ लाइक इसी पे, तो उसकी लाइक सिलेक्ट करते हैं क्लास को, ठीक है। होम पेज कंटेंट क्लास थी हमारी, उसको देखिए अभी ये क्या है, देखो मैं फ्लेक्स बॉक्स का कितना आपको दिखाता हूँ कि क्या एकदम से जादू हो जाता है। अभी ये यहाँ पे है कंटेंट, पहले मैं कलर करता हूँ, एक सेकेंड, कलर WHIT। अभी ये कंटेंट यहाँ है एकदम साइड में, तो मैं जैसे ही थोड़ा सा चेंज करूंगा, दो लाइन ऑफ कोड लिखूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, क्योंकि बाय डिफॉल्ट रो होता है, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, सॉरी सेंटर लिखना छो भूल गए, अलाइन आइटम्स सेंटर, देखें सब चीजें सेंटर में आ गई है। अभी देखो इसको एक नीचे शिफ्ट करना है ना, तो मुझे वो भी कुछ नहीं करना है, फ्लेक्स बॉक्स हमें इतनी प्रॉपर्टीज देता है, अगर आप थोड़ा सा भी उसको एक्सप्लोर करेंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो मैं एक और फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी लगाने के लिए इसको फ्लेक्स, इसके पेरेंट कंटेनर को भी फ्लेक्स डाल देता हूँ, मतलब उसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स। कुछ चेंज हुआ हमारी साइट में, आपको दिख रहा है कुछ चेंज, फ्लेक्स डायरेक्शन बोलते रहिए प्लीज, क्योंकि मैं सुन सकता हूँ आपको, देख तो नहीं मतलब चैट्स पढ़ रहा हूँ तो स्क्रीन पे उधर देखना पड़ रहा है, ठीक है, जो भी कुछ लग रहा है, ठीक है। तो अब देखो चीजें वही की वही आ गई, लेकिन हमने इसके पेरेंट कंटेनर पे भी फ्लेक्स बॉक्स लगा दिया, तो अब हम चाइल्ड को भी सेंटर कर सकते हैं, फ्लेक्स वन, इससे क्या होगा सेंटर एवरीथिंग, कुछ करने की जरूरत नहीं है, पैडिंग इतना दे दो, मार्जिन इतना दे दो, ये इतना दे दो, वो इतना दे दो, कोई कुछ नहीं करना है, सिंपल एकदम सेंटर आ गया। अब इसके बीच में थोड़ा सा स्पेसिंग डाल देते हैं बस, वो कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। डॉट होम पेज के, होम पेज के अंदर H1 को सिलेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करूँ इसको स्क्रीन को, या ज्यादा बड़ा हो गया, अब पहले तो इसको हटा देते हैं, ये फालतू में जगह घेर रहा है, ठीक है ना। होम पेज के अंदर H1 को सिलेक्ट कर रहे हैं, लाइक H1 का साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज लाइक अप्रोक्सीमेटली 50 दे के देखते हैं, ठीक है, कैसा लग रहा है, फॉन्ट साइज 50 दे देते हैं, और मार्जिन बॉटम नीचे थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं, ठीक है ना, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स दे देते हैं, ठीक है। और कलर तो हम दे ही चुके हैं, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देते हैं,
वैसे वो ऑलरेडी सेंटर है लेकिन दे देते हैं, ठीक है ना, कोई इतना इशू नहीं होगा। तो देखते हैं अब क्या हुआ है। वेलकम टू माय गैलरी, थोड़ा सा अच्छा हो गया ना, तो मार्जिन टॉप थोड़ा सा कम कर देते हैं, थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है मुझे। अब इसके अंदर होम पेज के अंदर अब पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, तो पैराग्राफ को कर लेते हैं। ये आप सिलेक्ट कर रहे हैं, ये समझ में आ रहा है सबकी? प्लीज इसको बताएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम बता नहीं पाए क्योंकि लिमिटेड क्लासेस थी। आप लोग प्लीज ध्यान से पढ़िएगा इस चीज को, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सीएसएस क्लास सिलेक्टर्स, ये टॉपिक का नाम ये है। सब लोग ध्यान रखेंगे, सीएसएस क्लास सिलेक्टर्स के हम क्लासेस मतलब कैसे किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, इतने इतने कॉम्प्लेक्स सिलेक्टर्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, तो ठीक है ना। तो अब ये जैसे मैं होम पेज पे लेके होम पेज के पैराग्राफ टैग को ओनली कर रहा हूँ, क्योंकि पैराग्राफ टैग तो वेबसाइट में बहुत जगह होंगे, लेकिन अगर मुझे होम पेज के पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो इसलिए मैं उसको कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका फॉन्ट साइज जल्दी से मैं कर लेता हूँ, फॉन्ट साइज लाइक 20 पिक्सल्स आई थिंक सही रहेगा। और फॉन्ट इसको बोल्ड कर देंगे क्या, लाइक H1 को, H1 बोल्ड सही लगता है। फॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं, और ये हो गया। और लाइक बटन, बटन हमने स्टाइल किया है कहीं पे, अच्छा नेव डॉट बटन, ठीक है ना। तो दो ही बटन है, इसको यहाँ से हटा दूँ तो दोनों पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये आप लोगों ने ये देखा, ये क्या हुआ है, ऑटोमेटिक ये हट गया जैसे मैंने वहां से नेव हटाया। कोई बता सकता है ये क्यों हुआ है, प्लीज एनीवन? इसको तो मैंने स्टाइल किया ही नहीं है, ये अपने आप कैसे स्टाइल हो गया ये बटन? एनीवन प्लीज थोड़ा सा कांटेक्ट में रहें, प्लीज थोड़ा सा बोरिंग नहीं रहेगा, प्लीज कोई बताए, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, ठीक है। ऑडियो ऑन करके बताएं कि उसको तो मैंने किया ही नहीं है, तो वो कैसे हो गया है? अफरोज और कौन 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 था जो मतलब कर रहे थे, कोई भी बता सकता है टीम में से कोई, मतलब कैसे हुआ है, कोई भी लोग? साकिब, शफीक कुमार, सुमित कुमार, कोई है भी या नहीं क्लास में, प्लीज ये तो बता दें कम से कम। हेलो, हेलो, कोई कंटिन्यू कर रहा है क्लास में, प्लीज है कोई? उज्मा, अफरोज, जो भी है। अच्छा टीम में से मेरी आवाज तो आ रही है ना, प्लीज एवरीवन? यस यस, आवाज तो आ रही है, ओके। तो फिर कोई रेस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहा है? हेलो, डोंट नो व्हाई हैपन, तो आप बता दीजिए ना प्लीज टाइम, मतलब जो भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बता दीजिए, मतलब जैसे भी है कि नहीं, मतलब नहीं पता है तो इससे मैं जल्दी से बता दूं, टाइम बच जाए थोड़ा सा, ठीक है ना। तो पहले क्या हुआ कि जो तो ये था ना, ये बटन जो हमने किया था, जैसे ही बटन को कर रहे हैं ना हम यहाँ पे स्टाइल, तो ये जितने भी हमारे वेबसाइट में सब बटन ऐसे ही स्टाइल हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया था कि नेव बार के अंदर, सॉरी, नेव बार के, अब देखो जैसे ही मैंने इसको नेव बार के इनसाइड वाला बटन किया, वहां से स्टाइल हट जाएगा। लाइक कहाँ गया हमारा साइट, ये स्टाइल हट गया है यहाँ से। और जैसे ही मैं इसको कॉमन कर देता हूँ, ये यहाँ पे लग गया है, ठीक है, ये लग गया है यहाँ पे बटन, ठीक है।
ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि इस तरह से देना, ठीक है ना, लेकिन अभी के लिए दे देता हूँ मैं। और इसको थोड़ा सा एक देखिए, अगर मुझे इस बटन को थोड़ा सा कुछ करना है, कुछ अलग सा स्टाइल देना है, तो हम इसको क्लास नेम दे सकते हैं। क्लास नेम जैसे सेकेंडरी बटन बटन 2 दे देता हूँ मैं फॉर एग्जाम्पल। अब इसको अगर मुझे थोड़ा सा भी स्टाइल करना है कुछ, तो डॉट मतलब कुछ उस स्टाइल से अलग अगर मुझे कुछ लगाना है, तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ बटन 2। तो इससे क्या होगा, बटन 2 पे क्या होगा, मान लीजिए मुझे क्या जरूरत है, थोड़ा सा पेडिंग मुझे लग रहा है कि मार्जिन थोड़ा सा दे दूं ऊपर से तो अच्छा लगेगा। तो मार्जिन लाइक टॉप में दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 20 पिक्सेल्स, ठीक है। होम पेज, ये कंटेंट था, सॉरी। ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है कि अब होम पेज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो चले अब लाइक आपको मैं थोड़ा सा लाइक पहले टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ। ये डेमो टेक्स्ट जो लिया था ना, इसको हटा देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है। ये कहाँ पे लिया था, यहाँ पे। तो दिस गैलरी, ठीक है, थोड़ा सा लग रहा है कि हम लोगों ने बनाया है, सही है। तो थोड़ा सा शेप हो गया है फर्स्ट वाला हमारा, ठीक है। तो और अच्छा सा अभी देखो, ये स्क्रॉल कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी ये कुछ नहीं है। चलो एक ये थोड़ा सा ये और देता हूँ मैं, ULLI। अबर मान लीजिए अभी क्या आ रहा है, ULLI Command-C और करने पे, कलर हो जाए इसका, लाइक कोरल दे देते हैं, चॉकलेट। ओके, ये कलर नाइस है, ठीक है। तो देखो अभी ये इसके ऊपर जैसे और कर रहा हूँ, ये कलर भी चेंज हो रहा है। तो बहुत इजी होता है, मतलब आप लोग प्ले करेंगे ना इसके साथ, तो मतलब बहुत अच्छा होता है। कर्सर पॉइंटर दे देता हूँ, ठीक है, लाइक नाइस इफेक्ट। इस पे भी अभी हम दे देंगे, ठीक है ना, अभी दे देंगे। अभी थोड़ा सा आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ, तो जो मेरे साथ कंटिन्यू कर रहा था वो पहुंचा है या कंटिन्यू कर रहे हैं, या आप लोगों ने अब छोड़ दिया है? कौन कर रहा था, उज्मा कर रहे थे ना, उज्मा लाइक अनी अफरोज कर रहे थे शायद। अच्छा, तो आप लोग कर रहे हैं अभी इसको कंटिन्यू, या आप लोग मेरे साथ ही देखे, ठीक है। तो अभी ये समझ में आप लोगों की, देखो फ्लेक्स बॉक्स हमने कैसे यूज किया है, कितना इजीली हम चीजों को डिजाइन कर सकते हैं फ्लेक्स बॉक्स को। अच्छा, ये पहले मुझे ये बताए, थोड़ा सा वो हो रहा है, ये बैकग्राउंड पिक्चर आपने कहाँ पे देखा है, एनीवन कोई बताएगा मुझे, ये जो बैकग्राउंड लिया है मैंने, ये कहाँ से लिया है, किसने देखा है इसको? बहुत ही फेमस बैकग्राउंड लिया गया है मेरा, ये लिया है, ये बैकग्राउंड पिक्चर जो है। हेलो, प्लीज यस नो कुछ तो लिखिए प्लीज। प्लीज एनीवन, हेलो एनीवन प्लीज। अच्छा, कौन, प्लीज कुछ तो बोलिए प्लीज, वरना मतलब दिक्कत हो जाएगी फिर। टिंडर यस यस, ये जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड इमेज टिंडर का है, ठीक है ना। अच्छा, क्लास में भी कितने कितने मतलब जो जो प्रेजेंट है, प्लीज थोड़ा सा इंटरेक्ट करते रहिए भाई, प्लीज क्वेश्चन कुछ मतलब कुछ तो पूछिए ना, मतलब कुछ इंटरेक्शन करिए ना, वरना मतलब सबके लिए बोर सा हो रहा है, थोड़ा सा मेरे लिए भी हो रहा है, ठीक है। तो प्लीज इंटरेक्ट करिए, ठीक है ना। मैं भी मतलब इतने एंथुसियास्ट के साथ आया था, मैंने कहा थोड़ा सा बताना है चीजें, इंटरेस्टिंग चीजें, ठीक है ना। मेरा तो पर्पज यही था यहाँ पे, मतलब कि आप लोगों को थोड़ा सा मतलब बता दिया जाए कि चीजें एक्चुअली कैसे यूज करते हैं, वरना थ्योरी तो आप लोग पढ़ ही सकते हैं, ठीक है ना, बहुत चीजें अवेलेबल हैं। तो प्लीज थोड़ा सा इंटरेक्शन रखिए, ठीक है।
जो भी है मतलब माइक में बोलते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? कुछ भी पूछ रहा हो, कुछ भी, थोड़ा सा चल रहा हो। ओके, भाई ये एक्सप्लोर नाउ का ऑप्शन कैसे क्रिएट करा आपने? लिंक ये लिंक नहीं है, ये बटन है, देखो ये मैं HTML में दिखाता हूँ, अच्छा ये बटन है, कहाँ है, लाइक ये दिस वन बटन। अभी ये बटन क्लिक करने पे कुछ नहीं हो रहा है, वो दूसरी बात है, वो भी ऐड हो जाती है, वो भी अभी देखो टाइम रहा तो वो भी करके दिखाऊंगा मतलब कैसे है। लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा था कि एक्चुअली जो अभी तक हमने जो सीखा है, उस जितनी भी नॉलेज है उसको अप्लाई कैसे करना है, मतलब जितनी भी हमने प्रॉपर्टी सीखी है, फ्लेक्स बॉक्स, HTML। और अभी मैं थोड़ा सा आपको जावास्क्रिप्ट का भी इंट्रोडक्शन दूंगा एक हल्का सा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बैकबोन है पूरा वेब डेवलपमेंट का सारा, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, ओवरव्यू दूंगा, ठीक है ना? तो इसलिए मैं चाह रहा था जल्दी जल्दी इसको फिनिश करें, सब लोग, आप लोग थोड़ा साथ ही नहीं दे रहे, कोई इंटरेक्शन नहीं आ रहा है, तो मैं भी थोड़ा सा लग रहा है मुझे भी, प्लीज उसको देखें, ठीक है? तो चले आगे, चले इसके आगे पार्ट में। यस ओके चलो, तो अभी इसको थोड़ा सा और स्टाइल कर लेंगे, लाइक अभी जैसे मैंने इसको और करने पे, इस पे बटन लगाया है या ये किया है, ठीक है? इस बटन पे भी कर लेंगे, ठीक है? ओके तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसका फॉन्ट कम कर देता हूँ मैं। तो ये हमारा होम पेज हो गया, ठीक है ना? तो एक दूसरा मकसद मेरा ये था आज की क्लास का कि आप लोगों को वेब स्ट्रक्चर या एंड HTML स्ट्रक्चर बनाना आ जाए, क्योंकि आप कितने भी आगे चल के क्या होगा, एक चीज मैं अभी आपको बताता हूँ, अगर आप वेब डेवलपमेंट में आगे जाते हैं तो आप फिर आगे चल के रिएक्ट यूज करेंगे या नेक्स्ट करेंगे या और एंगुलर करेंगे, बहुत सारे फ्रेमवर्क है। तो और अगर CSS में यूज करना है तो बूटस्ट्रैप यूज कर लेंगे, इनके बारे में बताऊंगा अभी आपको थोड़ा सा। यही मेरा आखिरी का पार्ट यही था कि थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया जाए वेब डेवलपमेंट का, तो वो सब चेंज हो जाता है, CSS लिखने के तरीके चेंज हो जाते हैं, लेकिन एक HTML ट्री बनाने का तरीका कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। जैसे HTML ट्री या इसको जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर कोई ट्री बोल रहे हैं, ठीक है ना? मैं ट्री बोल रहा हूँ जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, कि पहले होम पेज फिर नेव बार, ये आप कितने भी एडवांस फ्रेमवर्क में चले जाएं, कुछ भी कहीं भी हो जाए, ये तरीका सेम ही रहेगा। तो इसको समझाना मेरा आज की क्लास का मेजर टारगेट था, ठीक है ना? तो प्लीज इसमें कैसे स्ट्रक्चर कर रहे हैं हम, उस पर ध्यान दें थोड़ा सा, ठीक है? किसी को डाउट है पूछे ना, माइक ऑन करके मैं तो एकदम बैठा हुआ हूँ यहीं पे, ठीक है? तो अभी हमारा होम पेज हो गया, ठीक है ना? अब हम कर लेते हैं अपना लाइक सेकंड जो पार्ट था हमारा, दूसरा डिव ले लेते हैं, ठीक है? इस डिव को बोलते हैं हम, इस डिव का क्लास नेम ले लेते हैं लाइक गैलरी कंटेनर, ठीक है ना? क्योंकि अब इसमें हम अपनी गैलरी को शो करेंगे, जो भी हमारे पास चीजें हैं। अरे क्लास गैलरी कंटेनर, ठीक है ना? तो ये काम करेगा हमारा सारा, जितना भी पार्ट आएगा इसमें काम करेगा, ठीक है ना? थोड़ा सा मैं एक यहाँ पे H1 दे देता हूँ बीच में, दोनों के बीच में, लाइक एक्स एक्सप्लोर दी कलेक्शन, एक्सप्लोर दी कलेक्शन। इस H1 को थोड़ा सा देखें, कुछ आया है यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है? तो इसको मैं थोड़ा सा स्टाइल करता हूँ अभी, ठीक है? ये एक ऐसे नहीं करते हैं मतलब कि मैं अभी, लेकिन यहाँ पे एक ही H1 है हमारी, ठीक है ना? तो इसको इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है इस वेबसाइट में अभी के लिए। फॉन्ट साइज लाइक 80 पिक्सल, ठीक है? टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये एक प्रॉपर्टी होती है जो टेक्स्ट को सेंटर में कर देती है, ठीक है? कुछ हमें लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये देखें अब ये आ गया होगा। अब मार्जिन टॉप बॉटम दे देता हूँ मैं, ठीक है ना? शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं मार्जिन देने की। ये क्या करती है, जो पहली क्वांटिटी होती है लाइक 50 पिक्स, मुझे ऊपर देना है, नीचे और ऊपर 50 पिक्सल देना है, तो नीचे ऊपर 50 पिक्सल दे देगी। राइट लेफ्ट कुछ नहीं देना है तो ऑटो दे दीजिए, मतलब अपने आप ले लेगा, ठीक है ना? अब ये देखो ये दिख रहा है, ये कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है? तो अभी क्या करते हैं हम, H1 दे दी थी लाइक, अब कंटिन्यू करते हैं अपने डिव पे जो गैलरी कंटेनर था, ठीक है? तो गैलरी कंटेनर को करते हैं। अब सबसे पहले गैलरी कंटेनर में मेरे को अपनी सारी गैलरी की जो भी चीजें हैं, मतलब जितने भी फोटोज इमेजेस हैं, तो मैंने कुछ डेमो इमेजेस ले रखे हैं, देखो जैसे यहाँ पे लेक्चर से पहले ले लिए थे, 10-12 इमेजेस है, मैं इनको एज अ गैलरी प्रेजेंट करता हूँ। देखो अब पहले मैं
पहले पार्ट में मैंने फ्लेक्स बॉक्स यूज करके दिखाया आपको कि फ्लेक्स बॉक्स कैसे करते हैं। अब वही चीजें मैं आपको ग्रिड के थ्रू करके दिखाऊंगा कि देखो ग्रिड कितना हेल्पफुल होता है कॉम्प्लेक्स लेआउट बनाने में। तो यहाँ पे देखो ग्रिड का मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेरे को लाइक 12-13 इमेजेस हैं, कितनी इमेजेस हैं वो देख लेता हूँ मैं, कितनी 12 इमेजेस अवेलेबल हैं। तो मैं 12 डिव्स बना लेता हूँ, ठीक है ना। डिव डॉट चाइल्ड, इसका क्लास नेम चाइल्ड दे देता हूँ मैं, ठीक है। डिव डॉट क्लास नेम चाइल्ड दे देता हूँ और इसके अंदर इमेज दे देता हूँ, और SRC क्या रहेगा इसका, एसेट्स, एसेट्स के अंदर इमेज 1 दे देते हैं, ठीक है ना। और ओल्ट क्या रहेगा, लाइक ओल्ट टेक्स्ट मतलब के नोट फाउंड, अगर इमेज को फाउंड मतलब हमारे पास नहीं अवेलेबल है तो इमेज नोट फाउंड, ठीक है। अब ये मेरे को ये बताए कि ये इमेजेस में डिव के अंदर क्यों डाल रहा हूँ, कोई प्लीज बताएगा। अभी मैंने चीज बताई थी कि मैं डायरेक्टली भी तो इमेज ले सकता था 12 की 12 गैलरी के अंदर, उसको मैं डिव के अंदर क्यों डाल रहा हूँ बार बार। एनीवन प्लीज माइक ऑन करके चैट में कैसे भी। नहीं तो वो इमेज फुल स्क्रीन में आ जाएगी। फॉर्मेट करना इजी होगा, हाँ उज्मा फॉर्मेट करना इजी होगा, ये करेक्ट आंसर है। जो आपने बताया ना वो भी सही है कुछ एक्सटेंट तक, इमेज मतलब उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो, लेकिन हम बिना इसके भी कर सकते हैं, बिना डिव में लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो दोनों चीजें कर ही सकते हैं हम, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट था कि जब भी हम किसी चीज को डिव के अंदर ले लेते हैं ना, तो डिव क्या चीज होता है, इसीलिए देखो बार बार कितनी जगह डिव यूज हो रहा है। तो डिव एक कंटेनर है जो कि बहुत सारी मतलब कस्टमाइजेशन देता है CSS के अंदर, जो कि पूरे उस एलिमेंट का हमारे हाथ में मतलब हमारे हाथ में दे देता है उसकी सारी प्रॉपर्टीज, कि आपको जैसे भी करना है जो भी करना है करिए। तो इसलिए हम ट्राई करते हैं कि जब भी हमें लेआउट अच्छे से कोई करना हो तो सब चीजों को डिव के अंदर रखें, ठीक है ना। अब लाइक ये डिव है, अब देखो मैं इसको दिखाता हूँ आपको, पहले ये क्या हो रहा है, ये इमेज कितनी बड़ी आ गई। तो ठीक है इसको तो कंट्रोल कर ही सकते हैं हम, इसको तो बिना डिव के अंदर रखे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो डिव में क्यों रखा है, अब मैं अभी इसको बताता हूँ। लाइक देखो डिव के लाइक मैं आपको पहले यही करके दिखाता हूँ, लाइक इसको टारगेट कैसे करना है, ठीक है ना। तो इस कंटेनर का नाम क्या था, चाइल्ड था ना, आई थिंक चाइल्ड दिया था ना मैंने इसका नाम, चाइल्ड डॉट img। चाइल्ड कंटेनर के अंदर हम इमेज को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसका विड्थ कितना है, लाइक फॉर एग्जांपल विड्थ ले रहे हैं हम 20 पिक्सल, अभी के लिए मैं ले रहा हूँ, अभी इसको चेंज कर लेंगे, और हाइट के लिए भी 20 पिक्सल अभी के लिए ले लेते हैं, ठीक है ना। देखें क्या होता है, ये काम करेगा या नहीं, ठीक है। छोटा हो गया, तो इतना छोटा नहीं चाहिए, मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है। ये दिख रहा है आप लोगों को नीचे कॉर्नर में लेफ्ट में, दिस वन, जी तो ये छोटा हो गया इतना, लेकिन इतना नहीं चाहिए हमको, अच्छा चाहिए। तो अभी के लिए इसको मैं मतलब अभी इतना ही रखता हूँ, जैसे कि बड़ी स्क्रीन वगैरह, ठीक है ना। तो अभी मैं अपने HTML पे ही आता हूँ, ठीक है। तो HTML के अंदर मैंने कहा था कि 12-13 इमेजेस हैं, तो इतनी कंटेनर हम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो लाइक आई थिंक 12 है, तो एक शॉर्ट लाइक मैं क्या करता हूँ, इनको पूरे जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 कंटेनर बन गए, ठीक है ना। ये शॉर्टकट पता है आप लोगों को, शिफ्ट ऑल्ट के साथ जब डाउन एरो बनाते हैं ना किसी भी सिलेक्ट करके, तो वो टेक्स्ट कॉपी होता जाता है, सिलेक्टेड टेक्स्ट शिफ्ट और टैब के मतलब उसके साथ ऑल्ट टेक्स्ट के साथ शायद, और जो मैक्स मैकबुक मैक में उनको शिफ्ट और ऑप्शन के साथ, ठीक है ना। तो बहुत ही हैवी लिफ्टिंग हट जाती है हमारे ऊपर से। अब इसको नाम चेंज कर सकते हैं, माने नाम चेंज पहले ही कर रखे थे, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4, ठीक है। ये यहाँ से ला रहे हैं नाम, ठीक है ना, मैंने नाम डाल रखे थे पहले जिससे टाइम बच जाए थोड़ा सा। तो ये कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अलग अलग इमेजेस क्योंकि मैंने डिव अलग अलग कर दिए हैं। लाइक प्लीज राइट शॉर्टकट ऑफ कॉपी हियर, लाइक शॉर्टकट ऑफ इट्स इज शिफ्ट प्लस ऑल्ट, लाइक विंडो में ऑल्ट होता है, एंड डाउन और अप के अप एरो, अगर मतलब डाउन एरो, ठीक है ना। लाइक मैं दे दूंगा, चलिए मैं आपको जब चीजें दूंगा तो वो मतलब उसमें दे दूंगा, लिख दूंगा इस बात को, ठीक है, शॉर्टकट को। तो अभी अपने इस पे आ जाते हैं,
ओके ओके, तो लाइक 5th इमेज और 6th इमेज, इमेज नंबर 7, ये मैं इनको रिनेम करते जा रहा हूँ, ठीक है ना। 8, 9, दिस इज 10, दिस इज 11, दिस इज 12। अभी मैं स्टाइल में थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ, लाइक 200 बाई 200 फॉर अभी के लिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सारी इमेजेस ऐसी आती हुई जा रही है, अलग अलग इमेजेस, ठीक है। तो ये अभी चल रहा है, अभी इसको हम पूरा करेंगे, ठीक है ना। अभी देखो इसको ग्रिड की हेल्प से मैं कितनी 2 लाइन के कोड में इसको कितना रेस्पॉन्सिव और कितनी करता हूँ, ठीक है ना। अभी मुझे आप लोग ये बताएं कि अगर मुझको इस इमेज को सेंटर करना हो तो मैं क्या करूंगा, आप कोई मुझे बताएगा कि अगर आपके माइंड में क्या चल रहा है, अगर मैं कहूं आपको कि इस पहली इमेज को सेंटर में कर दीजिए, अलाइन अलाइन सेंटर कर देंगे, इमेज अलाइन सेंटर। ठीक अलाइन सेंटर करता हूं मैं इसको, लो ठीक है। बताओ क्या लिखना है, क्या लिखना है बताओ। अलाइन, ये सेंटर, इमेज है, इमेज अलाइन आइटम सेंटर, नहीं वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये सब प्रॉपर्टीज इन सब पे नहीं लगती है, जो था ना टेक्स्ट अलाइन H1 ये सब वो सब, तो उनमें काम चल रहा था, लेकिन यहाँ पे ये अब चीजें बदल जाती हैं। ये इमेज जो है ना, ये इनलाइन एलिमेंट है, आप लोगों को अगर पता हो तो, हमने क्लासेस में बताया था कि इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन ब्लॉक, ठीक है ना। तो ये सब हम इन चीजों पे ये प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते कि आप जाके सेंटर में अलाइन हो जाओ, ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी है, ये वर्क ही नहीं करेगी, ठीक है ना। चाहे तुम इसके पेरेंट कंटेनर को फ्लेक्स दे दो तब भी नहीं काम करेगी, ठीक है, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है। तो अब इसी, और दूसरा रीजन है इसको डिव के अंदर लेने का, इन सबको डिव के अंदर लेने का दूसरा रीजन भी यही था कि इस इनलाइन को ब्लॉक बना लिया जाए। इनलाइन एलिमेंट समझ रहे हैं आप, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन जैसे बताया था पहले, चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा। इनलाइन एलिमेंट वो होता है कि बस मतलब जैसे कि एक के बाद एक आ जाए, जैसे अभी ये क्या है कि ये इमेज एक है, इसके नीचे एक आ रही है, तो अगर ये इनलाइन एलिमेंट है ना तो वो एक इसके साइड में ही आएगा, यहाँ पे, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, इस तरह से। लेकिन आप कहेंगे कि ये तो आ क्यों नहीं रहा है, फिर वो आ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि मैंने इसको ब्लॉक के अंदर डाल दिया है, एक डिव के अंदर, तो वो अब उसकी वजह से ब्लॉक होने का बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। तो ये रीजन है, ठीक है, चले तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये रीजन है, अब इसको सेंटर अगर करना है तो देखो अब क्या करते हैं, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है। अब मैं आपको ग्रिड का यूज करके दिखा सकता हूँ, फ्लेक्स बॉक्स का भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा फ्लेक्स बॉक्स ऊपर यूज कर लिया इतनी बार, एक बार ग्रिड को देखते हैं, ग्रिड क्या जादू करता है, कैसे इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं इस गैलरी कंटेनर, जो इसका पेरेंट कंटेनर है इस सब के अंदर, उसको एज अ ग्रिड डिस्प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। देखो क्या होगा, लाइक गैलरी, गैलरी कंटेनर आई थिंक यही नाम था ना, गैलरी कंटेनर डिस्प्ले ग्रिड, ओके सॉरी, ठीक। देखे पहले एक एक करके मैं चेंज दिखाता हूँ, कुछ चेंज हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ है, ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अब देखो एक इतना लाइक इतना इजी एक ग्रिड का वो आता है, लाइक पहले मैं एक दे देता हूँ, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, लाइक ऑटो फिट, ऑटो फिल, लाइक रुको एक मिनट, यहाँ से उठा लेते हैं। हाँ ये फंक्शन होता है, ये क्या कर रहा है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना, इसने क्या किया एक एक चीज बताता हूँ। ये फंक्शन करेगा क्या, देखो पहले इसने कुछ किया है ये देख लेते हैं। नाइस, देखो क्या कर दिया इसने, तो मैं इसको थोड़ा सा बताता हूँ ये क्या कर रहा है, ठीक है ना। अभी रुको थोड़ा, लाइक तो ये क्या कर रहा है कि जो हमारे हमने पेरेंट कंटेनर जो कि ग्रिड था, लाइक दिस ग्रिड कंटेनर था, उसको पहले मैंने डिस्प्ले ग्रिड कर दिया, ठीक है।
डिस्प्ले ग्रिड कर दिया, और फिर जब डिस्प्ले ग्रिड कर दिया उसके बाद ग्रिड की प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं हम उसके चाइल्ड पे। तो उसके चाइल्ड पे ग्रिड की प्रॉपर्टी यूज करने के लिए एक हमने स्पेशल लाइक प्रॉपर्टी यूज करी, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। इसका मतलब क्या है कि जितने भी ग्रिड के एलिमेंट है, चाइल्ड है, वो सब कॉलम में अलाइन हो जाए और एक के बाद एक रिपीट होते रहे। अब देखिए ये वर्ड के रिपीट होते रहे, और रिपीट होने के बाद एक प्रॉपर्टी हमने इसमें डाली ऑटो फिल, मतलब कि अपने आप से फिल होते रहे जितना भी स्पेस मिलता जा रहा है डिस्प्ले के अंदर। और उसके बाद ये फंक्शन क्या करता है, मिनमैक्स फंक्शन, ये करता है कि उसकी विड्थ और हाइट सेट कर देता है, लाइक 20 rem, 20 rem। rem क्या है, किसी को पता rem क्या है? rem इसकी यूनिट होती है, मतलब जैसे पिक्सल नहीं है, लाइक 1 pixel 2 pixel, मतलब यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ऐसे ही CSS में एक और यूनिट होती है rem, ठीक है ना। तो इसका मैं थोड़ा सा रिलेटिव बताता हूँ। 1 rem 16 pixel होता है, 1 rem इज इक्वल टू 16 pixel, ठीक है ना। तो जैसे मैंने 20 rem लिख रखा है, तो ये 216, मैं 320 pixels भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, सेम ही बात है, ठीक है ना। लेकिन rem लिख रखी है, कोई इशू नहीं है। और ये 1 fr क्या कर रहा है, मतलब इक्वली फ्रैक्शन में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। ये 1 fr लिखने का मतलब यहाँ पे है इक्वली फ्रैक्शन में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो अभी ये हमारा ये ऐसा हो गया है, ठीक है। अभी इसको और थोड़ा सा बताता हूँ, ठीक है। अभी पहले थोड़ा सा और डिजाइल कर लेता हूँ। या लाइक ग्रिड गैप एक प्रॉपर्टी है। अब देखो ये क्या होगा, अगर मैं इसको भी हटा दूंगा ना, अब ये तब भी कोई इशू नहीं है, सेम ही काम करेगा। देखो ये ग्रिड ने हमारा इतना हेवी लिफ्टिंग हटा दिया है हमारे ऊपर से कि लाइक ग्रिड गैप नहीं, ओनली गैप काम करेगा, ठीक है ना। व्हाट इज गैप, कितना रखना है, लाइक कुछ भी रख सकते हैं, 40 20 pixels लेके देखते हैं, ठीक है क्या हो रहा है। दिस कुछ एरर है क्या, गैप 20 pixels, अच्छा ओके। तो लाइक ये क्या है, इसमें अब हमें विड्थ और हाइट ऐसे देनी पड़ेगी, ट्वेंटी आर ई एम 1 pixel, ओके 100%, सॉरी मान लो अगर हम ग्रिड का यूज नहीं करते तो इन ये लेआउट बनाने में हमारे कैसे, मतलब जैसे वो बोलते नहीं है कि दांतों लोहे के चने चबाना, वो चीज हो जाती है हमारे साथ अगर हम ग्रिड का यूज नहीं करते तो, समझ रहे हैं आप। ये जितनी भी आप पे एक्सेल्स वगैरह ये सब देखते हैं, सिर्फ एक फंक्शन को यूज करते हैं, ये इस फंक्शन को, और ये कुछ नहीं, ये बहुत आसान चीज है। मतलब ऑटो फिल करना है जितना भी जगह मिलता जा रहा है, और 20 rem जो है उसकी विड्थ और हाइट होनी चाहिए और इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो सारे के सारे, ये करता है सिर्फ ये। और लाइक एक छोटा सा थोड़ा सा पेडिंग और देता हूँ मैं, देखो पेडिंग दे के क्या होता है, पेडिंग 40 pixel दे देता हूँ चारों तरफ, लाइक और अच्छा हो जाएगा। नाइस, अब और अच्छा लग रहा है, ठीक है। एक्सप्लोर दी कलेक्शन, ओके। तो ये लाइक ये समझ में आया कि सबको ये क्या किया है। देखो ग्रिड ने हमारा कितना, कितने लाइन ऑफ कोड लिखा है मैंने, डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, गैप दे दो, ये तो हमने फालतू में लिखा है, ये तो अगर हटा देना तो बस गैप वेप फटेगा, बाकी कुछ नहीं होगा। रुको इसको रिफ्रेश होने दो, ये इन इमेजेस के बीच का गैप हट जाएगा, बाकी लेआउट बन चुका है। तो लेआउट बनाने के लिए हमने 2 लाइन लिखी है कोड की, सिर्फ एक ये और एक ये, इनको ऑब्जेक्ट फिट कवर दे दिया, ठीक है ना। तो ये देखो ग्रिड ने हमारा कैसा एकदम कितना अच्छा काम कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा और लाइक मैं गैप थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। ये इमेजेस बहुत बड़ी है, ठीक है ना, इस वजह से पेडिंग बढ़ाया क्या मैंने, यस पेडिंग बढ़ाया 50, नहीं ये बढ़ाना था 30। अब अच्छा लग रहा है,
ठीक है, अब देखो बिल्कुल किसी भी रेस्पॉन्सिवनेस की भी कोई टेंशन नहीं है, सब अपने आप होते जा रहा है। तो ग्रिड ये हमारा ऐसा एक मैजिकल चीज है ना, कॉम्प्लेक्स लेआउट बनाने में बहुत एकदम बहुत आसान हो जाती है चीजें। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके अलावा और क्या करना है बताएं। अब थोड़ा सा फर्निश करते हैं अपना, लाइक बटन के आवर को मैंने कहा था कि बाद में कर लेंगे, ठीक है उसको करते हैं, अब टाइम आ गया है। बटन और करने पे ये समझ रहे हैं? ये क्या होता है, ये किसी को पता है कि बटन के बाद सेमी कोलन लगा के, ये कोलन लगा के और जो लिखा है मैंने, ये क्या कर रहा है कोई बताएगा मुझे इसको क्या बोलते हैं और ये क्या करता है? प्लीज एनीवन जो भी है क्लास में, साकिब, अफरोज, इसको बोलते हैं लाइक सूडो क्लास सिलेक्टर, मतलब सूडो सिलेक्टर बोलते हैं इन सब चीजों को। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, बटन के ऊपर मतलब तभी अप्लाई होगा जब वो एक्शन इवेंट मतलब चलेगा। मान लीजिए बटन के ऊपर जब हम होवर करेंगे तो तभी ये चीजें अप्लाई होंगी, तो इन सब का इस्तेमाल इसलिए होता है। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसको लाइक और करने पे बैकग्राउंड कर देता हूँ। बैकग्राउंड नन कर देता हूँ, ठीक है नन सही लगेगा। और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, बॉर्डर रेडियस 0 कर देता हूँ। अब देखते हैं अब क्या हो रहा है। अच्छा कलर नहीं है, कलर तो ब्लैक ही हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा ये इफेक्ट लगा दिया है, अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। और अभी कौन कौन जुड़ा हुआ है प्लीज एक बार सब लोग जो जो जुड़े हुए हैं एक बार लिखें। ओके ओके ओके, जो भी हैं तो थोड़ा सा आगे हम कंटिन्यू करें, हल्का सा ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। उज्मा ने साथ में जितने भी लोग हैं प्लीज़, क्योंकि अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, मतलब थोड़ा सा और आपको मैं एक मतलब थोड़ा सा और दिखाता हूँ, CSS मैजिक्स दिखाता हूँ कुछ अच्छे से। सुमित कुमार यादव, ओके ओके, ये बताओ ये समझ में आया ना किसी को कि हमने स्ट्रक्चर कैसे बनाया? देखो आज की मेन क्लास ये था कि जो हम स्ट्रक्चर बनाए HTML ट्री, इसको बोलते हैं डोम ट्री। आगे जब आप वेब डेवलपमेंट में अपनी जर्नी करेंगे ना तो इसको बोलते हैं डॉम ट्री। तो ये लाइक तो ये सबको समझ में आया, इसमें पूछो अगर इसमें किसी को डाउट है तो, कि हमने ये स्ट्रक्चर ऐसे ही क्यों लिया? किसी को भी कुछ भी लग रहा हो प्लीज, जितने भी 3-4 लोग हैं कोई इशू नहीं है, जिन लोगों को सीखना है वो लोग ही ज्वाइन है। सुमित, वो अफरोज, या ये प्रॉपर्टी ठीक है ना, ये देखो ये कोड मैंने भी कॉपी किया है, ये कितना भी बड़ा डेवलपर हो जाए कोई इश्यू नहीं है। ज्यादातर मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा याद नहीं रहती। मेन थिंग क्या है कि आप लोगों को पता हो कि ऐसी भी कोई चीज होती है। सही है, सब डेटा को माइंड में नहीं रखना है आप लोगों को, ये चीज के ऐसे भी हम अप्लाई कर सकते हैं चीजों को, ये चीजें मेन चीज है इसमें डेवलपमेंट फील्ड में। ठीक है, तो ये सब करना है। ठीक है, लाइक और ये जो मैंने किया है ना, जैसे यहाँ पे किया था कि लाइक विथ जो हो जाए 100% हो जाए, 100% से यहाँ मतलब था अपने पेरेंट का 100% हो जाए, कि जितना भी चाइल्ड कंटेनर को, जितना भी इस कंटेनर को हमने विद दे रखा है, लाइक 20 RM हमने दिया था यहाँ पे कंटेनर को, तो 20 RM मतलब लाइक 320 पिक्सल्स। तो यहाँ पे जो इमेज है वो 320 पिक्सल हाइट ले लेगी और विद भी इतनी ही ले लेगी,
और ऑब्जेक्ट फिट कवर, मतलब ऑब्जेक्ट फिट कवर क्या करता है कि जितनी भी हाइट है उसके हिसाब से पूरे को अपने कर लेता है। देखो मैं जैसे ये हटाता हूँ ना, क्या होगा, ये इमेजेस टूटनी शुरू हो जाएंगी थोड़ी थोड़ी, ठीक है, जूम होके आने लगेंगी। तो इस इफेक्ट को हटाने के लिए ऑब्जेक्ट फिट कवर का यूज कर लिया था। ओके, किसी को कुछ पूछना है? और थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा बताने वाला हूँ आज की क्लास में, या मैं कैमरा ऑन, मेरा कैमरा ऑन नहीं है शायद, लाइक करता हूँ थोड़ा सा। लाइक सुमित, अफरोज, और जो तीसरा कौन है, जो भी है, सॉरी उज्मा, किसी को आई इट शुड बी पिक्सल आई थिंक, कहाँ पे, कहाँ पे उज्मा, लाइक सॉरी अफरोज, माइक ऑन करके प्लीज बता दें अगर मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, वरना कोई इशू नहीं है। कहाँ पे, कहाँ पे, लाइक यहाँ पे नहीं, मतलब किसी में भी दे सकते हैं, बहुत सारी यूनिट, ये तो एक ही यूनिट है, आर ई एम होती है, ई एम होती है, पिक्सेल होती है, और भी बहुत सारी यूनिट होती है, ठीक है ना, तो उसको नहीं देखना है, वो तो यूनिट्स है, मतलब आगे अब जैसे भी करेंगे सीख जाते हैं सब चीज़ों को, तो और भी यूनिट होती हैं सीएसएस की, ये तो तीन चार मुझे पता है जो मैं फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ, और इनका सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है ना, लगाने का, कि आर ई एम को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, या वाट इज वी एच, अच्छा वर्टिकल हाइट, वी एच का मतलब होता है कि वर्टिकल हाइट, और वर्टिकल हाइट ये रेस्पॉन्सिव, मतलब जैसे अभी मेरा लैपटॉप है तो अभी जो भी इसकी वर्टिकल हाइट है, लाइक टॉप टू लेके टॉप टू बॉटम, हियर टॉप टू बॉटम, तो ये 100 वर्टिकल हाइट है, इसको 100 की स्केल में हम नाप रहे हैं, तो हम जब भी 100 वर्टिकल हाइट लिख रहे हैं इसका मतलब है कि उस डिव को, उस कंटेनर को आप 100 वीएच दे दीजिए, 100 वर्टिकल हाइट दे दीजिए, और वो उसको देने का फायदा इसलिए है, या वर्टिकल विद, ओके, या इट्स वर्टिकल, नो नो इट्स नो व्यू पोर्ट विद, वी डब्ल्यू स्टैंड फॉर व्यू पोर्ट विद, व्यू पोर्ट मतलब जब द पोर्ट विच इज विजिबल टू यू, आइदर इट्स इन फोन और एनीथिंग एल्स, ओके, इट्स व्यू पोर्ट विद, ओके, तो ठीक है, चले अपनी वेबसाइट में भी थोड़ा सा दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा फर्निश करते हैं, और ठीक है ना, अभी लग रहा है कि मतलब कैसी लग रही है, थोड़ा सा और देखो, अच्छे से इफेक्ट मैं आपको आज डाल के दिखाता हूँ, ठीक है, एक बहुत ही अच्छे अच्छे से इफेक्ट, लाइक अभी क्या हो रहा है कि जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, नेव बार भी ऊपर चले जा रहा है, तो अगर मुझे नेव बार को इसको रोकना है ना, कि ये जो नेव बार था ये रुक जाए, बाकी सब स्क्रॉल होता रहे, तो उसके लिए एक दो लाइन लिखनी है बस, ठीक है ना, इतना इंटरेस्टिंग है सीएसएस ये सब, ठीक है ना, तो क्या लिखना है कि नेव बार जो है ना हमारा, वो पोजीशन क्या रहे इसकी, पोजीशन स्टिकी रहे, स्टिकी पोजीशन, शायद मैंने कभी बताया भी था आपको, उसकी पोजीशन स्टिकी रहे, ठीक है ना, लाइक अभी स्टिकी नहीं है, ये तो मैंने स्टिकी लिखा था, ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ, उसका रीजन ये है कि स्टिकी कहाँ पे रहे, जब भी हम किसी की पोजीशन लिखते हैं ना, जैसे पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव, तो अभी मैंने पोजीशन स्टिकी लिखा है कि मतलब जहां भी हम इसको स्टिक कराना चाहते हैं, तो वो पॉइंट भी तो हमको बताना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम मान लिए टॉप जीरो पे स्टिक कराना चाहता हूँ मैं, तो टॉप जीरो पे स्टिक कराना चाहता हूँ, ठीक है, तो अब देखो, यानी पूरा स्क्रोल हो रहा है ऊपर, नेव बार हमारा नहीं हो रहा है, ठीक है, नेव बार अपनी जगह रुक रहा है, ठीक है, लाइक और अच्छा सा इफेक्ट, देखो एक और अच्छा सा इफेक्ट मैं लगा के देता हूँ, दे लाइक अभी मैं मान लीजिए ये बैकग्राउंड भी ना हो, खाली टेक्स्ट टेक्स्ट ऊपर का स्क्रॉल होता चला जाए, तो उसके लिए भी एक लाइन लिखनी है, कुछ नहीं करना है, ठीक है, उसके लिए क्या करना है, जैसे होम पेज पे मैंने बैकग्राउंड, लाइक होम पेज पे बैकग्राउंड अटैचमेंट एक प्रॉपर्टी होती है, उसको फिक्स्ड कर देंगे, तो देखो ये कितना अच्छा इफेक्ट लगेगा, देख रहे हैं आप, बैकग्राउंड अपना रुका हुआ है, बाकी सब आगे शिफ्ट हो रहा है, तो ये हो गया, मतलब सीएसएस इतना फ्लेक्सिबल है, इतना फ्लेक्सिबल है कि आपको अगर अच्छे से आता है ना, तो
तो आप इतने अच्छे अच्छे इफेक्ट्स, अभी तो एनिमेशन ऐसी, जब एनिमेशन लिखता है ना आपने आदमी अपने हाथों से, जितनी भी आप ये GIF देखते हैं ना, ये सब किसी ना किसी ने CSS से ही लिखी है, या तो जो भी सॉफ्टवेयर भी उनको क्रिएट करके दे रहा है ना, तो वो भी अंडर बैकग्राउंड में CSS से ही क्रिएट हो रही है। तो इतनी अच्छी अच्छी लाइक एक सिंपली मैं आपको देके दिखाता हूँ अभी, एक सिंपल देखे, एक इतना टाइम तो नहीं है, पूरा एनिमेशन में देके दिखाऊँ आपको। लाइक मैंने होवर करने पे कलर चेंज करने का लगाया था, तो उसको मैं टारगेट करता हूँ। इसमें क्या है, लाइक एनिमेशंस लाइक ऑल ऑल एनिमेशंस को टारगेट कर रहे हैं हम, और किस टाइप के एनिमेशन, इज इन एंड आउट, और कितना डिले ले रहे हैं, 50 मिलीसेकंड्स, 200। लाइक मैं आपको पहले पूरा 1 सेकंड लेके दिखाता हूँ, ठीक है ना? तो अब ये क्या होगा, बहुत जल्दी होने की बजाय बहुत आराम से चेंज होगा ये, ठीक है ना? आपको शायद यहाँ पे नहीं इतना लग रहा हो, क्योंकि इतना नहीं है, ठीक है? लेकिन ये ऐसे काम करते हैं, बहुत और भी अच्छे अच्छे से की फ्रेम से एनिमेशन देते हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है? तो आप बताएं, आप लोगों को कुछ लग रहा है और कुछ चेंज करना चाहिए इसमें, ठीक है? आप बताएं कुछ और के भाई ये करके देखेंगे तो कैसा लगेगा, ठीक है? तो मैं आपको अभी तो फिर फिलहाल यही बना के दिखाना चाहता था, ठीक है? कितना अच्छे से इस पर होवर कर रहे हैं, तो अच्छे से इफेक्ट आ रहा है, ये आ रहा है, ये गैलरी दिख रही है, और देखो बैकग्राउंड अटैच्ड है, नेव बार भी अटैच्ड है, ये सब चल रहा है, ठीक है? और बाकी इसकी फंक्शनलिटी के बटन पे क्लिक करने में क्या होगा, ये सब भी है, ये थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ठीक है? और इसमें थोड़ा सा एडवांस, मतलब लाइक अगर आप जावास्क्रिप्ट अच्छे समझते हैं और फिर बैकएंड से शुरू होती है चीजें, तो और भी मतलब अच्छे ठीक पार्ट है। तो आज का मतलब यही था इसमें, ठीक है? तो अब मैं अभी 5 2 4 मिनट डाउट ले रहा हूँ, ठीक है? तो प्लीज डाउट जो भी है आपको पूछिए, वेबसाइट से रिलेटेड, इस वेबसाइट से रिलेटेड जो भी है, प्लीज। एनीवन 2 4 मिनट, हाउ टू रिमेम्बर ऑल दीज कोड्स? उज़मा रिमेम्बर नहीं करना है, ठीक है? मैंने तभी तो मैं आपसे तब से यही कह रहा हूँ कि पता है सबसे बड़ी, मैं मतलब डेवलपर, मैं भी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस डेवलपर नहीं हूँ, लेकिन जितना भी मैंने अपने उसमें देखा है, मतलब जितनी भी नॉलेज मुझे है अपने करियर में, लाइक चीज़ों को रिमेम्बर नहीं करना है। चीज़ों को रिमेम्बर क्या करना है कि ऐसी भी कोई चीज़ है और उनको अप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है ना? अब कुछ चीज़ें तो जब तुम इतना बार करोगे ना, जब दिन में बैठ के तुम, जैसे मैं करता हूँ 8 8 घंटे भी किसी दिन कर लेता हूँ, तो जब तुम दिन में बैठ के वही चीज़ 8 8 घंटे कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। आपको फोर्स नहीं करना है कि ये मुझे याद हो जाए, ठीक है? अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं आगे डेवलपमेंट को, और आपको ठीक है, तो अपने आप हो जाता है। और कुछ चीज़ें हैं जो कभी भी नहीं होती हैं, मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं, उनको आपको पता होना चाहिए कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है, आप ले सकते हैं वहाँ से, ठीक है ना? एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं, सिंपल सा। आप लोगों ने स्टैक ओवरफ्लो नाम तो जरूर सुना होगा, भले से आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं या सिंपल प्रोग्रामिंग करते हैं, जब भी हम कोई एरर डालते हैं ना, तो वो आके सीधे स्टैक ओवरफ्लो सबसे पहली साइट खुलती है, ठीक है? तो वो क्या चीज है, वो खाली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए नहीं, वो हम लोगों के लिए भी है, डेवलपर के लिए भी है। जब भी मतलब 50% से ज्यादा लोग, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जो लोग माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, मतलब जो एटलीस्ट जो बिगनर लेवल पे होते हैं, एटलीस्ट 5 साल एक्सपीरियंस, 4 साल, वो भी अपने क्वेश्चंस डालते हैं उस पे कि हमसे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, इसको कैसे करना है, कि ये हम नहीं कर पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके आंसर्स देते हैं लोग। तो ठीक है ना, याद नहीं करना है, मेन थिंग इज कि आपको पता हो कि ये चीजें कैसे अप्लाई हो रही है, कैसे यूज करना है। जैसे मैंने अभी ग्रिड का मैंने होम पेज आपको फ्लेक्स बॉक्स से बना के दिखाया, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लेक्स बॉक्स है क्या चीज, कैसे अप्लाई करते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज है। मतलब याद नहीं करना, प्रॉपर्टीज में भी मतलब क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, और बाकी आप जितनी बार करते जाएंगे तो आप सीखते जाएंगे उन सब चीजों को, ठीक है ना? अब जैसे दो तीन प्रॉपर्टीज ही थी कि इसको बैकग्राउंड को ब्लेंड करना, ठीक है ना? तो ये तो मतलब मेरे को भी आइडिया नहीं, मतलब वो नहीं था, मैंने भी देखा कि इसको बैकग्राउंड को ब्लेंड कैसे करते हैं, मतलब इसका कलर देखो, मैं इससे क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना? ये सब देखो, मैं एक ये लाइन ऑफ कोड हटाता हूँ, पूरी जो ओपेसिटी थी उसकी, वो ओपेसिटी रह गई, बाकी सब हट गया, तो ठीक है ना? तो देखो इस एक लाइन ऑफ कोड ने कितना चीजों को मतलब कितना अच्छा से, मतलब व्यू कितना अच्छा कर दिया। तो ये सब चीजें हमें भी कभी कभी देखनी पड़ती है,
बाकी जो मेन चीज थी कि जैसे फ्लेक्स बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं देखना चाहिए, वो तो तुम एक आध महीने प्रैक्टिस करोगे, 2 महीने 3 महीने, जितना एक्सपीरियंस आता जाएगा सब आती चली जाएंगी। और इससे रिलेटेड कोई डाउट है किसी को तो अभी तो मैं यही बना के दिखाना चाहता था, ठीक है ना। इससे ज्यादा का ना टाइम है हम लोगों के पास, देखिए इसी में ही मेरा मतलब अगर शेड्यूल देखे तो ये सब था प्लान में कि जावास्क्रिप्ट का ये भी करना है और ये भी बताना है, तो जावास्क्रिप्ट का एसेंशियल ये सब, ठीक है। तो पहले तो डाउट बताएं आप लोग, मतलब जो भी डाउट है क्लियर कर ले सब लोग। बताएं सब लोग, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसके यूआई को पॉइंट करें, मतलब जो ये अभी हमने आप लोगों ने बनाया है, मतलब मैंने बनाया है, आप लोगों ने भी साथ में मिलके बनवाया है, तो ये कैसा लग रहा है आप लोगों को? ठीक है, अगर ये एक्चुअल वेबसाइट में होता तो अच्छा लगता इस तरह से, कमेंट कर सकते हैं या माइक ऑन करके कुछ भी। हाँ मतलब और भी चीज़ें, अगर मेहनत का मतलब कर थोड़ा सा वर्क होता तो और भी अच्छा लगता है, लेकिन अब भी ठीक है ना, जितना हमने इसको टाइम दिया ना, 1 घंटा भी नहीं दिया मुश्किल से, उस हिसाब से ये बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। आप टिंडर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं, उनका ये इफेक्ट है, ठीक है ना, वो लोग ये इफेक्ट करे हुए हैं, वो हमने 1 घंटे में कर लिया, ठीक है, उस इफेक्ट को। वो उनके बैकग्राउंड बैकएंड को छोड़ दे तो उसका फ्रंट एंड हमने 1 घंटे में कॉपी कर लिया, मतलब इस तरह से, मतलब ये इफेक्ट उनका ऐसा ही इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये भी एक वो चीज़ है, तो ये इफेक्ट, जैसे ये स्क्रॉलिंग इफेक्ट, बैकग्राउंड फिक्सिंग वगैरह, तो ये उस हिसाब से बहुत अच्छा लगे, ठीक है। और भी जितनी भी आपके अंदर क्रिएटिविटी है कि इसको कलर, इसका ग्लू होना चाहिए था तो और अच्छा लगता, रेड होना चाहिए था, वो सब आप लोग ट्राई कर सकते हैं, मैं कोड दे दूंगा शाम तक आपको, ठीक है। तो अभी कुछ डाउट है? अभी ये लोग बताए हैं आप लोग को, ये थोड़ा सा कंटिन्यू करना है जावास्क्रिप्ट का एसेंशियल। कौन कौन चाहता है कंटिन्यू करें, थोड़ा सा मैं आपको मतलब बताऊं, इंट्रो दूं। एनीवन? अच्छा चलो, तो फिर जावास्क्रिप्ट को आज रहने देते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। नोट नाउ प्लीज। ओके सुमित कुमार यादव, तो ठीक है अभी बस 5 मिनट रुकते हैं, आपको कुछ भी डाउट पूछना हो, ठीक है, जनरल डाउट डेवलपमेंट से। जैसे मेरा एक टॉपिक था ये, व्हाट नेक्स्ट, के अब क्या करना है 3 लेक्चर्स के बाद, ठीक है। और कुछ भी डाउट्स है तो अभी आप पूछ सकते हैं, ठीक है, जनरल डाउट भी, ठीक है, डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो ओपन हूँ मैं अभी 5 मिनट, ठीक है। अबाउट फ्रेमवर्क्स अफरोज, ओके, एनी अदर क्वेश्चंस, व्हाट एग्जैक्टली दे डू, ओके, एनी अदर थिंग, किसी और के मन में कोई भी एनी डाउट, जनरल डाउट वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, के कैसे सीखना है, क्या चीज़ क्या होती है, कि रिएक्ट क्या ही चीज़ है, मतलब क्या ही है, बैक एंड क्या ही है, मतलब कुछ भी अगर कैसा भी डाउट है तो अभी ओपन हूँ मैं 5-10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। क्लास तो क्योंकि हो गई है, और मैं इसका शेयर कर दूंगा आपको कोड, व्हाट इज बैक हैंड, ठीक है, लेट मी जस्ट वन सेक, ठीक है। तो पहले अफरोज के क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। फ्रेमवर्क क्या होता है, ठीक है, तो मैं उसके लिए चलता हूँ, अपने कोड पे ही चलता हूँ, ठीक है। व्हाई एंड व्हाई नॉट यूज फ्रेमवर्क, पहले मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, मैं आपको ये बताता हूँ, अब HTML में, सिंपल HTML में अब कोई वेबसाइट नहीं बनती है, ठीक है, पहली बात, ओके अफरोज क्लियर है? अभी हम सीखने के पर्पज से कर रहे हैं इसलिए HTML बना रहे हैं, बाकी सब हम किसी ना किसी फ्रेमवर्क में ही बनाते हैं। वो क्यों बनाते हैं उसका रीजन मैं देता हूँ, ठीक है। अभी हमारी वेबसाइट में एक पेज था खाली, क्या था हमारी वेबसाइट में, कुछ नहीं था, ये एक पेज था, ओनली सिंगल पेज, होम पेज और दिस। तो ये हमें क्या करना पड़ रहा है, सबसे पहले तो मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेके रिएक्ट समझाने की कोशिश करता हूँ, कि वो पहले बात रिएक्ट पता है ना सबको, रिएक्ट क्या है,
रिएक्ट जावा स्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है जो कि फ्रंट एंड बनाने में बहुत काम आता है, मतलब बहुत ही ज्यादा इफिशियंट है। और लाइक ये इसको बनाया है फेसबुक के डेवलपर्स ने, तो आपको ये समझे इसकी कितनी मतलब वैल्यू रही होगी, कितने अच्छे लोगों ने मिलकर बनाया इसको। और ये ओपन सोर्स है, सबसे बड़ी बात ये ओपन सोर्स है, इसमें दुनिया का कोई भी डेवलपर कंट्रीब्यूट कर सकता है अगर वो काबिल है, उस काबिल तो उस पूरे डेवलप तरह की चीजें बनाने के लिए लाइक सॉरी ठीक है। तो वो क्या करता है, अभी देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब यहाँ पे ये कि बार बार ड्यू ले रहा हूँ, बार बार ड्यू ले रहा हूँ, बार बार ड्यू ले रहा हूँ, बार बार ये 12 ड्यू लिए मैंने, काम एक ही कर रहा हूँ, काम कोई दूसरा किया ही नहीं, काम वही है, ड्यू 12 ले रहा हूँ। तो रिएक्ट एक क्या चीज करता है, रिएक्ट हमें दे देता है एक फंक्शन होते हैं रिएक्ट में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये जानने की आपको जरूरत नहीं है मतलब क्या है, वो एक चीज प्रोवाइड करता है कॉम्पोनेंट्स। वो कॉम्पोनेंट्स क्या होता है, उनका मेन ही मकसद है कि राइट वंस यूज मेनी टाइम्स, लाइक सबसे मेन चीज उनकी कि राइट वंस, जैसे फंक्शन नहीं होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ऐसे जावास्क्रिप्ट में होता है कि एक बार लिखे और कितनी भी बार यूज करे, तो एक फंक्शन ये होता है रिएक्ट का, और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो मैं एक डिफरेंशिएट करने के लिए बताने की कोशिश कर रहा था कि वो लाइब्रेरी, मतलब पहली बात तो रिएक्ट जो है ना वो फ्रेमवर्क नहीं है, एक लाइब्रेरी है, ठीक। तो ये एक डिफरेंस है, और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, लाइक इनको बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर देता है। नॉर्मल एचटीएमएल लिखना बहुत डिफिकल्ट है जब हमारी वेबसाइट में 100 से ज्यादा पेजेस हो, मतलब बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट हो, तो सब पूरी की पूरी वेबसाइट के लिए हम इतने पेज क्रिएट नहीं कर सकते, इतने ड्यूस नहीं लिख सकते, इतना ज्यादा कोड हो जाता है बहुत ज्यादा। तो उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए सीनियर डेवलपर्स ने नए नए लाइब्रेरीज बनाए, फ्रेमवर्क बनाए, जो कि हमारी कोडिंग लाइफ, डेवलपर की लाइफ बहुत आसान हो जाए। तो इसीलिए मतलब वो है ये सब, ठीक है। तो ओके लाइक अफरोज क्लियर है, ओके। लाइक जावास्क्रिप्ट के और भी फ्रेमवर्क हैं जैसे नेक्स्ट जेएस है, लाइक नेक्स्ट जेएस है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। और रिमिक्स है, एंगुलर आपने सुना होगा जो गूगल के डेवलपर्स ने बनाया है, गूगल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने, एंगुलर। ये सब फ्रेमवर्क हैं जो इन सब चीजों को बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे ऑप्टिमाइजेशन के काम आते हैं, ठीक है ना। हम मान लीजिए हमें गूगल की पूरी वेबसाइट बनानी है, तो उसको हम एचटीएमएल में बनाने बैठ गए ना, तो 10-20 साल पता नहीं कितने लग जाएंगे उसको बनाने में ही, ऑप्टिमाइज करने में। तो ये इतने ज्यादा मतलब इफिशियंट होते हैं, इजी टू यूज, बट एज अ बिगिनर हमें फ्रेमवर्क यूज करना चाहिए या एचटीएमएल से। आप लोग अभी इसी को समझे, कुछ दिन इसी पे प्रैक्टिस करें, आई थिंक एक दो छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना ले, 2 या 3 एचटीएमएल पे, जिससे कि आपको लाइक ट्री का, डोम का आइडिया हो जाए कि कैसे एचटीएमएल ट्री बनता है। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि चाहे हम कोई सा भी फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, जो एचटीएमएल ट्री होता है उसका स्ट्रक्चर बनाने का तरीका वही रहता है, बस फर्क क्या है कि हमें बार बार ड्यूज नहीं लिखने पड़ते हैं, और हम एक ही ड्यू को लिख के बार बार यूज कर सकते हैं, कॉम्पोनेंट उनको कॉम्पोनेंट बना लेते हैं। लाइक मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, और मैं आपको अपना एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, दिखाता हूँ जो भी मैंने बनाया था रिसेंटली, लाइक दिस वन, ये नेक्स्ट जेएस में है। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये नेक्स्ट जेएस में प्रोजेक्ट है, तो इसमें कॉम्पोनेंट्स फोल्डर है, ठीक है। इसमें कॉम्पोनेंट का फोल्डर है, ये कॉम्पोनेंट्स पहला क्या है, नेवबार। तो नेवबार कॉम्पोनेंट ये मैंने एक बार लिख लिया ना, तो इसको मैं अपनी वेबसाइट में कहीं भी सिर्फ कॉम्पो नेवबार के नाम से कॉल कर सकता हूँ, मुझे बार बार उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एचटीएमएल में नहीं होती ये सब चीजें, ये यहाँ होती है, ठीक है। तो ये एक फायदा हो जाता है, और भी बहुत सारे हैं, आप जैसे आगे आगे चलेंगे ना सब समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, और किसी को कोई ओपन क्वेश्चन पूछना है प्लीज। लाइक एनीथिंग, कुछ भी पूछना है। ठीक है, तो आई गेस लाइक ठीक है फिर, है करते हैं इसको एंड करते हैं क्लास को, ठीक है।
बाकी मैं कोड दे दूंगा आप लोगों को, और थोड़ा सा मेरे को मतलब आज वो डिस्कस करना था, नहीं कर पाए, लेकिन मैं उसको दे दूंगा, आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। लाइक मुझे ये लाइक डिस्कस करना था, सिर्फ ये डिस्कस करना था जावास्क्रिप्ट का, लाइक फंडामेंटल्स जावास्क्रिप्ट के, ये बनाया था थोड़ा सा मैंने, मतलब मैंने नहीं बनाया लेकिन बहुत अच्छा है, तो इसको मैं बताने वाला था आप लोगों को, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ठीक है चलिए फिर रैप करते हैं सबको, ठीक है। देखें मिलते हैं नेक्स्ट कब होती है क्लास, ओके। तो आप लोग बाकी कांटेक्ट कर ही सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है लाइक सीखने में कि कैसे सीखना है, रोड मैप सब कुछ, मेरा नंबर मतलब मिल ही जाता है व्हाट्सएप पे, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं मुझे पर्सनली भी, ठीक है। ओके तो एवरीवन वी शुड लीव नाउ। ठीक है, थैंक यू, ओके ओके ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बहुत लंबा टाइम हो गया बने रहने के लिए, बाकी तो चले गए हैं, ठीक है, लेकिन ठीक है, चलिए बाय बाय एवरीवन, आप लीव कर सकते हैं।